It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GET contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GET till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GET deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GET challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello everyone, good evening to all of you. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. तो थोड़ा सा हल्का लेट हो गया है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम थी. ठीक है, तो अब बिल्कुल फाइन है. तो सारे लोग एक बार मेरे को इतना बता देंगे, वॉइस वगैरह क्लियर है क्या? सारे लोग इतना बता देंगे, वॉइस वगैरह क्लियर है? एक बार जरा सारे लोग इन्फॉर्म कर देंगे, वॉइस इज क्लियर? वॉइस क्लियर है क्या? यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. साइलेंसर भी गुड इवनिंग. गुड इवनिंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू. यस, वॉइस क्लियर है क्या? एक बार जरा मेरे को नमस्ते नमस्ते नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून. ठीक है, एवरीवन सभी लोगों को भैया, यस, एवरीथिंग इज फाइन नाउ. चलो आज हम लोग बात करते हैं मास ट्रांसफर की. जस्ट हम लोग बात करेंगे. ठीक है, तो हम लोगों ने कल उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, उसके कंटेंट क्या हम लोग डिलीवरी करेंगे यहाँ पे, वो आप लोगों को पता चल गया होगा. ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे. एक लोगों का मैंने कमेंट रीड किया था, एक लोगों ने बताया था कि सर इस तरीके से पढ़ा रहा है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से. आपको डेफिनेटली बताता हूं मैं आप लोगों को कि मैं मॉलिक्यूलर एवरेज वेलोसिटी पे भी न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करवाऊंगा, फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पे भी न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा. ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं उसको भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा. बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे पर मैक्सिमम तक जाएंगे. राइट, चलो तो मैं यहां पर जस्ट थोड़ी बात कर लेता हूं जो न्यू इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना है. तो आज हम लोग लेक्चर वन लेकर आए हैं डिफ्यूजन. तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली डिफ्यूजन. तो यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को सिग्निफिकेंस दिख रहा होगा कि डिफ्यूजन का क्या मीनिंग है, इस पर अभी हम जस्ट बात करेंगे. आज लेक्चर वन डिफ्यूजन पार्ट से स्टार्ट करेंगे, डिफ्यूजन, फिर हम लोग मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, फिर ट्रू फिल्म थ्योरी की ओर मूव करेंगे. तो सबसे अच्छे जितने भी पार्ट, जितने भी एरियाज ऑफ डिफ्यूजन के हैं वो पूरा हम लोग कवर करेंगे. जो भी जितने भी पार्ट में अपना डिफ्यूजन कवर होगा उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, देन मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर. ठीक है, चलो तो मैं यहां पे जस्ट न्यू इंफॉर्मेशन, आप जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि दिस इज मनीष राजपूत, आई हैव कंप्लीटेड माय एमटेक फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी. ठीक है, और माय टीचिंग एक्सपीरियंस अराउंड थ्री प्लस ईयर इन द रिलेवेंट ऑफ द गेट फील्ड एंड वन प्लस ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस रिलेवेंट इन द जेडब्ल्यूई फील्ड. राइट, एंड माय एक्स एक्सपीरियंस इन द एचपीसीएल बैंगलोर आरएनडी सेंटर, एंड माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मास ट्रांसफर ऑपरेशन. ठीक है, सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स, प्रोसेस डायनामिक्स एंड कंट्रोल, हीट ट्रांसफर एंड मैकेनिकल ऑपरेशन. इन केस आप लोग चाहते हैं कि भैया कोई कोर्स हमको खरीदना है तो आप अपना कोड यूज कर सकते हैं MR100, आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा यहां पे. ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं. तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा मैं फास्ट कंप्लीट करूंगा. टू टाइप के कोर्सेस अवेलेबल है, प्लस एंड आइकॉनिक. प्लस में बात करूंगा लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस आप लोगों को मिलेंगे. आइकॉनिक में बात करूंगा, यहीं पे आपको मटेरियल भी मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलेगी, जैसे आप लाइक पर्सनल कोच आपको मिल जाएगा. ठीक है, टेस्ट वगैरह मिलेंगे. एंड इनकी मैं फीस की बात करूंगा तो मैं प्लस की बात करूंगा. प्लस में 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ, इसकी डिफरेंट सेक्शन की डिफरेंट फीस है जो कि यहाँ पे शो की गई है. एंड आइकॉनिक की मैं बात करूंगा तो 12 मंथ एंड 24 मंथ की डिफरेंट फीस है. तो थोड़ा इन पे आप लोग गौर कर लीजिएगा. ये अपना अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मुझे इस आईडी से फॉलो कर सकते हैं. एंड देन दिस इज द डिफरेंट यूट्यूब चैनल, डिफरेंट ब्रांचेस के लिए आप लोग जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन. एंड दिस इज द आवर टीम की जो बैच बेटा लॉन्च हो चुके हैं, हमारा जो बैच, यस, थर्ड बैच लॉन्च हो चुका है 1st of March से. तो वहां पे कुछ सब्जेक्ट चलेंगे, अभी अपने सुमित सर लेकर आएंगे तो वहां पे FM पढ़ाएंगे. और अप्रैल में हमारा सब्जेक्ट चलेगा, जो भी सब्जेक्ट चलेगा अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, अप्रैल में कौन सा सब्जेक्ट आएगा वो अपना प्लस पे मिलेगा आप लोगों को. ठीक है, तो वहां पे मैं डील कर रहा हूंगा कोई वन सब्जेक्ट. चलो
तो ये बात हो गई। यस, जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को दे देता हूं, जिसके लिए इलिजिबल ब्रांचेस है। ये अपनी कॉम्बैट सीरीज स्टार्ट हो गई। कॉम्बैट जो सीरीज स्टार्ट होगी उसकी डेट कितनी है यहां पे लिखी हुई होगी, ठीक है ना, 7th of March। इसके लिए एलिजिबल जो ब्रांचेस है मैं अभी जस्ट नेक्स्ट लाइन में आपको बता देता हूं, आप लोग इसको इनरोल कर सकते हैं, आप लोग अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, वो लोग इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल ये एलिजिबल नहीं है। इसमें जो एलिजिबल ब्रांचेस हैं वो है मैकेनिकल, सीई, सीएस एंड आईटी। केमिकल पे ऑब्वियस बात है बिल्कुल भैया काम चल रहा है, तो धैर्य रखो आप लोग, ठीक है। केमिकल के लिए भी चीजें आएंगी, अभी जस्ट ऑर्गेनाइज देखो केमिकल का क्या है कि कुछ चीजें थोड़ा है ना, समझ रहे हो ना, केमिकल के नंबर ऑफ कैंडिडेट थोड़ा कम होते हैं, तो धीमे धीमे चीजें उस हिसाब से चल रही है कि बिल्कुल प्लान किया जा रहा है कि केमिकल के भी लिए भी कुछ ना कुछ न्यू अच्छा प्लान लेकर आया जाए, ठीक है। तो आप लोग अपना जस्ट अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं जो मैकेनिकल के भाई हो, सीएस, सीएस एंड आईटी, ठीक है, सी, तो सिविल, सीएस, आईटी, इन लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इन केस वो लोग टॉप 3 मतलब 1 से 3 रैंक लेकर आते हैं तो उनको प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये ऑफर है और ये स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि टेस्ट होगा 7th March को 11 बजे, ठीक है। उसका जो ड्यूरेशन है वो 65 मिनट, अराउंड 1 घंटे के आसपास। चलो, और कल जो लेक्चर आएगा सेम टाइम पे लेक्चर आएगा, तो आप लोग देखिएगा मास ट्रांसफर का इसी टाइम पे आप लोग लेक्चर मिलेगा सेकंड। और थर्ड वन जो मैं एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को कर देता हूं, जैसा कि साइलेंसर यहां पे जुड़े हुए हैं, तो ये कल सीरीज स्टार्ट हो रही है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग की, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 अपना प्लैनेट, ठीक है, अपना जो चैनल होगा वो डिफरेंट काइंड ऑफ चैनल आप लोगों को मिलेगा, गेट प्लैनेट गेट, ठीक है। इस चैनल पे सारे लोग जुड़िएगा, इसको सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशन डे बाई डे और टाइम से आता रहे, ठीक है। तो संकल्प बैच, जिसका बैच का जो नाम है वो संकल्प बैच है, और उसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट अपने साइलेंसर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज CRE, ठीक है, लेक्चर 1। तो सारे लोग प्रेजेंट रहिएगा, ठीक है। आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे, आप लोग इस बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलो, यस कल, यस टाइमिंग है वो 7 बजे की टाइमिंग है, ठीक है, 7 बजे की टाइमिंग रहेगी, शाम को 7 बजे रहेगी। तो सारे लोग जितने भी लोग हैं यहां पे प्रेजेंट हैं, और जितने लोग प्रेजेंट नहीं है उनको भी इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। चलो, तो ये थी इंफॉर्मेशन, मैं जस्ट बात कर ले रहा हूं। यस, एक्साइटेड फॉर सीआरई। यस भैया, सीआरई साइलेंसर पढ़ाए और एक्साइटमेंट ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। चलो मैं बात करूं, यहां पे मैं बात कर रहा था, चलो मैं अपने प्रोसेस की अब बात करता हूं, तो सारे लोगों को शेयर कर दो, अब ज्यादा अपना टाइम अदर चीजों में ना यूटिलाइज करते हुए अपन मेन पढ़ाई पे आते हैं। तो मैं जस्ट बात कर रहा था, कल मैंने बात की थी कंटेंट की, कंटेंट में क्या क्या डिलीवरी कर, कल हमने 2-3 चीजों की और बात कर ली थी, यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस। यूनिट ऑपरेशन क्या होता था, यूनिट प्रोसेस क्या होता था, उनके बारे में थोड़ा हमको नॉलेज मिल गई थी। हमारा कोई रॉ मटेरियल होता था, यूनिट ऑपरेशन से पास होता था, उसके बाद यूनिट प्रोसेस से पास होता था, फिर हमारा फाइनल डिजायर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता था। इन केस हमको फर्दर और नीड होती थी सेपरेशन की, तो हम यूनिट ऑपरेशन उसका एक बार फिर से कर देते थे। वो डिपेंड करता था प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। इन केस आप लोगों को लगता है कि जो प्रोडक्ट मिल गया है उसी मार्केट में उतनी ही डिमांड का चाहिए, तो आप फर्दर क्यों प्रोसेस करोगे, फिर उसको सेपरेशन प्रोसेस में नहीं डालेंगे, कॉस्ट वगैरह नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग उतना ही बात कर लेंगे, अदरवाइज नीड पड़ती है तो फिर हम अगेन उसको यूनिट ऑपरेशन में डाल देते हैं। अच्छा, यूनिट ऑपरेशन डिफरेंट सेक्शन के थे वो हम लोगों को पता चल गए थे। यूनिट ऑपरेशन कल मैंने बताया था मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, ये 3 कॉमन थे जिसमें ड्राइविंग फोर्स की नीड होती है, एंड मैकेनिकल ऑपरेशन, दिस इज आल्सो यूनिट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि कुछ चीजें हम लोग फोर्सली सेपरेट आउट करते हैं, लाइक जैसे ये पेन है इसको मैं तोड़ दूं, दिस इज द मैकेनिकल ऑपरेशन प्रोसेस, ठीक है, दिस इज नॉट मास ट्रांसफर ऑपरेशन। तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हीट ट्रांसफर, इसमें आपको कुछ स्पेशल केसेस है, इसके लिए आपको ड्राइविंग फोर्स की नीड पड़ेगी, इसी की हेल्प से आप लोग इसमें ट्रांसफर करवा पाओगे, ठीक है, चाहे वो एनर्जी का हो, चाहे वो मोमेंटम का हो, चाहे वो मोल्स और मास का हो। तो यहां पे पर्टिकुलर ड्राइविंग फोर्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे, उन्हीं को हम लोग मास ट्रांसफर बोलते हैं। चलो, तो सारे लोग मैक्स, यस हाँ, ठीक है, तो जल्दी सारे लोगों को शेयर कर दो, काफी अभी कम स्ट्रेंथ दिख रही है, ठीक है, फिर स्टार्ट कर दें। चलो, ओके, चलो मैं यहां पे जस्ट बात कर देता हूं मास ट्रांसफर। सारे लोग हेडिंग डाल लो कॉपी में, कॉपी एक नई खरीद के रखो, सारे लोगों को तो मैं बोलूंगा एक कॉपी नई जरूर खरीद लो। ठीक है ना, मास ट्रांसफर में जो स्टार्ट करने वाला हूं वो रहेगा टॉपिक फर्स्ट, ठीक है ना, टॉपिक फर्स्ट में 01 की बात करूं, दैट इज द डिफ्यूजन, ठीक है ना, डिफ्यूजन की मैं यहां पे बात करने वाला हूं। तो सारे लोग एक कॉपी न्यू खरीद सकते हैं, और आज नहीं है तो कोई बात नहीं, कल से आप लोग न्यू कॉपी लेकर आए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं।
बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर तरीके से आप लोग नोट्स बनाना, मजा आएगा। एट द लास्ट आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है। तो मैं डिफ्यूजन से स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं मास ट्रांसफर ऑपरेशन है क्या, ठीक है। मास ट्रांसफर ऑपरेशन है क्या, इसकी थोड़ी डेफिनेशन वगैरह में बारे में बात कर लेते हैं। तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन, व्हाट अबाउट द मास ट्रांसफर ऑपरेशन, ठीक है। चल, मास ट्रांसफर है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मास ट्रांसफर, एनीवन कैन मी टेल, कोई मेरे को बताएगा क्या, कोई मेरे को बता सकता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मास ट्रांसफर, मास ट्रांसफर की क्या एक्चुअल डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मास ट्रांसफर। सपोज कर लो ये मेरा पेन है, ठीक है, ये मार्कर है, तो मार्कर को मैं यहां से इस पोजिशन से इस पोजिशन को मैं ड्रॉ आउट कर रहा हूं, दिस इज मास ट्रांसफर। सारे लोग मेरे को बताएंगे दिस इज द मास ट्रांसफर, या मैंने किसी भी पत्थर को अपनी छत से दूसरी छत पे फेंक दिया, दिस इज द मास ट्रांसफर ऑपरेशन। सारे लोग मेरे को थोड़ा बताएंगे, सारे लोग बताएंगे दिस इज द मास ट्रांसफर ऑपरेशन, दिस इज नॉट मास ट्रांसफर ऑपरेशन, ठीक है। मास ट्रांसफर ऑपरेशन इज दैट टाइप ऑफ द ऑपरेशन इन विच देयर इज सम ड्राइविंग फोर्स इन्वॉल्व, ठीक है। ऐसा नहीं है बेल्ट कन्वेयर चल रही है, आपने एक जगह सामान रख दिया, पता चला लिफ्ट के ऊपर पहुंच गए, आप लिफ्ट पे खड़े हो, इस जगह पे आपका मास है, आप ऊपर पहुंच गए, दिस इज द मास, नॉट मास ट्रांसफर ऑपरेशन, दिस इज द मैकेनिकल ऑपरेशन, ठीक है। मास ट्रांसफर ऑपरेशन के लिए पर्टिकुलर ड्राइविंग फोर्स की नीड होती है, मैं अभी बात करूंगा यहां पे कौन कौन से ड्राइविंग फोर्स है। इनकेस वही ड्राइविंग फोर्स है तभी हम लोग मास ट्रांसफर की नीड कर बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, उनकी वजह से मास ट्रांसफर हो रहा है तो वो हम लोग मास ट्रांसफर बोलेंगे। देखो मैं आपको थोड़ा सा, आप लोगों को थोड़ी सी बात कुछ बता देता हूं। सपोज कर लो आपका ये फ्लूइड है, ठीक है, आपका फ्लूइड है, ठीक है, आप पाइप के थ्रू क्या कराते हो, फ्लो करवाते हो, तो मेरा यहां से फ्लूइड क्या जा रहा है, फ्लूइड ए पोजीशन से इस पोजीशन से ऐसा ऐसा होता हुआ इधर जा रहा है, तो मैं बोलूं यहां पे फ्लूइड वन है, फ्लूइड वन है, ठीक है, और यहीं से दूसरी पोजीशन पे फ्लूइड चला गया, तो दिस इज द मास ट्रांसफर ऑपरेशन, दिस इज नॉट मास ट्रांसफर ऑपरेशन, बिकॉज देयर इज नो एनी ड्राइविंग फोर्स रिलेटेड टू केमिकल पोटेंशियल, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। ये जो फ्लूइड है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से गया है, P1, P2, यहां पे जो ड्राइविंग फोर्स है वो प्रेशर डिफरेंस है, नॉट मास ट्रांसफर ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। मास ट्रांसफर का जो ड्राइविंग फोर्स है वो नहीं है, तो मास तो ट्रांसफर हुआ है, मास तो ट्रांसफर हुआ, लेकिन ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। फ्लूइड देखो यहां पे क्या हो सकता है, आपका कोई एक ही स्पीशीज हो, तो एक ही स्पीशीज होल, एक ही स्पीशीज तो पास हो रही है, कोई ऐसा इनकेस ऐसा इसमें हो जाए, ऐसा हो जाए, ध्यान देना, मैं यहां पर क्या कर दू, इसमें इंजेक्ट करवा दू किसी इंक को, इंक को मैं इंजेक्ट करवा दू, अब देखना अब ट्विस्ट आएगा पिक्चर में, ठीक है। मैं इसमें क्या कर दू, इंक को इंजेक्ट करवा दू, अब इंक का जो इधर ट्रांसफर हो रहा होगा भाई साहब, इंक के रिस्पेक्ट में आप बोल सकते हो अब इंक का मास ट्रांसफर हो रहा है इधर, ठीक है, क्योंकि इंक दो तरीके से, एक तो कन्वेक्शन की वजह से भी डिफ्यूज हो रहा है, दूसरी चीज उसकी सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से भी मॉलिक्यूलर मोमेंटम हो रहा होगा उसका, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मास ट्रांसफर, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट पूरे में पास हो रहा है, वो भी प्रेशर डिफरेंस की हेल्प से, दिस इज द नॉट मास ट्रांसफर ऑपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले दो से तीन चीजें हम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि मास ट्रांसफर ऑपरेशन है क्या। तो मैं जस्ट इसकी डेफिनेशन यहां पे लिख दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझते चले जाइएगा, इसकी मैं जस्ट यहां पे डेफिनेशन राइट डाउन किए दे रहा हूं, इसकी डेफिनेशन जो लिखेंगे, देखो बहुत ध्यान से लिखना, ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ट्रांसफर ऑफ द मॉलिक्यूल्स और मोल्स, ट्रांसफर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ट्रांसफर ऑफ द मास, मास भी लिख सकते हो, ट्रांसफर ऑफ द मास एंड मोल्स, और लिख लो और मोल्स, और मोल्स फ्रॉम वन पोजिशन टू, फ्रॉम वन पोजिशन टू, वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, अनदर पोजिशन, अनदर पोजिशन, अनदर पोजिशन, व्हाइल यूजिंग विद द हेल्प ऑफ, ऐसे लिख लो, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ सम ड्राइविंग फोर्स, सम ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्सेस, अभी मैं बात करूंगा ड्राइविंग फोर्सेस की, इस पर अंडरलाइन करना, विद द हेल्प ऑफ सम ड्राइविंग फोर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पोजीशन एक जगह, जैसे मैंने अभी फ्लूइड डाला था, एक पोजीशन से दूसरी जगह फ्लूइड चला गया, लेकिन वो जो स्पेसिफिक जो ड्राइविंग फोर्स है, मैं जिनकी बात करूंगा, उन्हीं की, उन्हीं ड्राइविंग फोर्स को यूज करते हुए आपने सब्सटेंस को पास करवाया, या नंबर ऑफ मोल्स आपके ट्रांसफर हुए पर्टिकुलर ड्राइविंग फोर्स की वजह से, तो उसी को हम लोग मास ट्रांसफर बोलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं था, ये पेन था इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे आएगा, इसने अपनी पोजीशन चेंज की, पहली वाली लाइन इसने सेटिस्फाई की, ट्रांसफर ऑफ द मास या मोल्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन,
पोजीशन इसने चेंज की, लेकिन इसने ये वाली लाइन सेटिस्फाई नहीं की विद द हेल्प ऑफ द सम ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, ये ड्राइविंग फोर्स क्या है इनके बारे में हम लोगों को बात करनी है। दिस ड्राइविंग फोर्स कैन बी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, दिस ड्राइविंग फोर्स कैन बी पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, दिस ड्राइविंग फोर्स कैन बी मोल फ्रैक्शन डिफरेंस, दिस ड्राइविंग फोर्स मे बी इलेक्ट्रिकल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल फील्ड डिफरेंस, दिस ड्राइविंग फोर्स मे बी केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस, दिस ड्राइविंग फोर्स मे बी गिब्स फ्री एनर्जी डिफरेंस, दिस ड्राइविंग फोर्स मे बी एक्टिविटी डिफरेंस, दिस ड्राइविंग फोर्स मे बी फ्यूगासिटी डिफरेंस, यू नो राइट। तो ये ड्राइविंग फोर्स क्या है उनके बारे में मैं यहां पे बात कर लेता हूं। तो यहां पे लिख दो, हेडिंग डालो ड्राइविंग फोर्स फॉर मास ट्रांसफर, ड्राइविंग फोर्स फॉर मास ट्रांसफर, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्सेस फॉर मास ट्रांसफर। यहां पे बात करते हैं अभी देखो। तो यहां पे ड्राइविंग फोर्स में दो से जो मेजर ड्राइविंग फोर्स और माइनर ड्राइविंग फोर्स में यहां पे मैं इसको डिस्टिंग्यूट करूंगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं ड्राइविंग फोर्स को यहां पे दो तरीके से लिखूंगा, एक लिखूंगा मेजर ड्राइविंग फोर्स, एक लिखूंगा माइनर ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, तो जो मेनली मास ट्रांसफर की बात करते हैं वो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ही मास ट्रांसफर होता है। ठीक है, थोड़ी छोटी छोटी चीजें और होती हैं जिनकी वजह से जो नेग्लिजिबल मास ड्राइविंग फोर्स की हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, हमको आना चाहिए कि हाँ इनकी वजह से भी, पैरामीटर की वजह से भी मास ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मैं मेजर और माइनर दोनों को सेपरेट आउट कर रहा हूं, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा। मैं यहां पर लिखूंगा मेजर ड्राइविंग फोर्स, मेजर ड्राइविंग फोर्स, इस साइड आप लोग लिखिएगा माइनर ड्राइविंग फोर्स, माइनर ड्राइविंग फोर्स, बहुत ध्यान से लिखते चले जाइएगा। ठीक है, बहुत आराम से लिखिएगा। ठीक है, मेजर ड्राइविंग फोर्स की मैं जो बात करूंगा उसमें आप लोग ऑब्वियस बात है भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। सेकेंड वन आप लोग लिखोगे पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, सेकेंड वन लिखोगे पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, थर्ड वन लिख लो कंपोजिशन डिफरेंस, थर्ड वन इज द कंपोजिशन डिफरेंस, कंपोजिशन डिफरेंस। ठीक है, कंपोजिशन, दिस इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर मास ट्रांसफर। ठीक है, ये आपके मेजर ड्राइविंग फोर्स होंगे। माइनर ड्राइविंग फोर्स की मैं यहां पर बात करूंगा, बहुत ध्यान से नोट्स बनाइएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अभी मैं हर एक चीज को विजुलाइज करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, माइनर ड्राइविंग फोर्स की मैं बात करूंगा तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, ये माइनर ड्राइविंग फोर्स है। नेक्स्ट बात आप लोग लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड डिफरेंस। ठीक है, और आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंस, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंस। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, और भी एक और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ईटीसी भी लिख लो। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को एटलीस्ट आनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा फेजेस की। ठीक है, अभी केमिकल पोटेंशियल पे आप लोग बात मत करना, केमिकल पोटेंशियल को बहुत ढंग से अलग तरीके से बताएंगे। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल का इतना रोल होता नहीं है, हालांकि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस का ही मास ट्रांसफर में असली रोल है। अभी केमिकल पोटेंशियल को तब तक बताना लू, तब तक ड्राइविंग फोर्स में मत लेके आइए। मुझे पता है आप लोगों को पता है कि ड्राइविंग फोर्स केमिकल पोटेंशियल, लेकिन इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी है, केमिकल पोटेंशियल को बहुत संभाल के रखना है। ठीक है, उसको मतलब पहले समझना है केमिकल पोटेंशियल है क्या, राइट, वो क्यों यूज किया जाता है ड्राइविंग फोर्स में और कब यूज किया जाता है उसकी हमको बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी थोड़ा थोड़ा आप लोग धैर्य रखिएगा, उस वर्ड को भी नाम मत लीजिएगा, उस बहुत ढंग से उसको लेकर आएंगे। ठीक है, पिक्चर में तो अभी जो मेन चीजें हैं इसको आप लोग लिखिएगा यहां पे। ठीक है, आराम से लिखते चले जाइएगा प्रॉपर तरीके से। अब मैं यहां पे बात करता हूं तो आप लोगों को इतना बात पता चल गया कि दिस इज द नॉट मास ट्रांसफर, ये जो चेंज हो रहा है, दिस इज, आपने पत्थर एक जगह से दूसरी पोजीशन पे फेंक दिया, दिस इज द नॉट मास ट्रांसफर ऑपरेशन। ठीक है, ये ऑपरेशन नहीं है, ये फिजिकल चेंजेस नहीं करवा रहा है। ठीक है, आपके कुछ पर्टिकुलर चीजों की वजह से, देखो जो मास ट्रांसफर है ना उसमें स्पेसिफिक आप लोग किसी पे डिस्कशन कर सकते हैं। कुछ लोग आप लोग बुक वगैरह देखें, बुक में तो खैर नहीं लिखा होगा, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड बुक आप लोग देखेंगे उसमें तो ये बात नहीं लिखी होगी, लेकिन कहीं पे आप लोग कोचिंग वगैरह करते हो वहां पे नोट्स वगैरह में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि वो लिखा हुआ देते हैं ट्रांसफर ऑफ द मोड्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, दिस इज कॉल्ड मास ट्रांसफर, दिस इज नॉट मास ट्रांसफर। ठीक है भाई साहब, ऐसे तो हमने पत्थर एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के फेंक दिया, दिस इज नॉट मास ट्रांसफर ऑपरेशन। ठीक है ना, तो फिर मैकेनिकल ऑपरेशन क्या है, उससे पूछो फिर मैकेनिकल ऑपरेशन क्या है। ठीक है,
हाँ हाँ प्रॉपर तरीके से आपको मजा आने वाला है, प्रॉपर तरीके से गारंटी दे रहा हूं मजा आएगा, ठीक है। बस आप लोग धैर्य से बातें मेरी सुनते रहिएगा, ठीक है। चलो अब मैं यहां पे बात कर लेता हूं, मैं इतनी बात कर ली, मैंने ड्राइविंग फोर्स की बात कर ली, अब देखना, अब मैं यहां पे थोड़ा सिस्टम की बात कर लेता हूं, थोड़ा भी सिस्टम की बात कर लेता हूं, ठीक है। मैं बात करूं आपकी, देखो यहां पे जो हम लोग जितनी भी स्टडी करेंगे, आपका मास ट्रांसफर कैसे कैसे आप लोगों को फेज में देखने को हो सकता है, आपका गैस गैस में देखने को मिले, केसेस क्या क्या हो सकते हैं, आपका गैस गैस में मास ट्रांसफर हो सकता है। सपोज कर लो आपका नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां पे मैंने अगरबत्ती जला के रख दी, अगरबत्ती जला के रख दी तो अगरबत्ती में जो फ्रेग्रेंस होगी वो गैस के फॉर्म में होगी, तो गैस के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करेंगे, तो इसका मतलब गैस का मीडियम गैस में ही डिफ्यूज करा, इसका मतलब एक मास ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी क्या है, गैस गैस में मास ट्रांसफर हो सकता है, गैस लिक्विड में मास ट्रांसफर हो सकता है, एक ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनते चलिए, गैस सॉलिड में मास ट्रांसफर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब हम लोग सिंगल फेज में भी मास ट्रांसफर की बात करते हैं और मल्टीपल फेज में भी मास ट्रांसफर की बात करते हैं, ठीक है। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं बात करूंगा यहां पर, मान लो आपका पॉसिबिलिटी क्या है मास ट्रांसफर की, पॉसिबिलिटी किस किस चीज में है, तो मैं यहां पर बात करूंगा फेजेस, फेजेस की बात करूंगा, आपके कितने फेज हैं, आपको पता है कि गैस लिक्विड एंड सॉलिड, तो मैं जस्ट बात करूंगा मास ट्रांसफर लिक्विड लिक्विड में पॉसिबल है, लिक्विड लिक्विड में पॉसिबल है, बिल्कुल सही बात है, लिक्विड गैस में पॉसिबल है एंड गैस सॉलिड में भी पॉसिबल है, गैस सॉलिड में, ठीक है। इतनी बातें हम लोगों को पता है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है लिक्विड लिक्विड में, ये क्या है, सिंगल फेज की मैंने यहां पर बात की, सिंगल फेज की बात की, सिंगल फेज, बहुत ध्यान से समझिएगा, सिंगल फेज की मैंने बात की, और यहां पे क्या है लिक्विड गैस, ये क्या है टू फेज है, टू फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम, ठीक है, ये टू फेज सिस्टम, और ये क्या है गैस सॉलिड, गैस सॉलिड, ये भी टू फेज, तो इसका मतलब जो हम लोग मास ट्रांसफर की बात करेंगे वो सिंगल फेज में भी बात करेंगे और मल्टीपल फेज में भी बात करेंगे, ठीक है, मल्टीपल फेज में भी बात करेंगे। अब यहां पर देखो पॉइंट देखना, समझना ड्राइविंग फोर्स का पॉइंट समझना है यहां पर, इसका मतलब आपका जो सिस्टम है मास ट्रांसफर में किस तरीके से बनने वाला है, किसकी कितनी पॉसिबिलिटी किन किन चीजों की है मास ट्रांसफर में बनने की, वो किन किन की है मैं यहां पे लिख देता हूं। सपोज कर लो आपका सिस्टम है, आपका ये कोई सिस्टम है, सिस्टम की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सिस्टम हो सकता है सिंगल फेज का हो, हो सकता है सिंगल फेज का हो सकता है सिंगल फेज हो, इसमें हो सकता है इसमें क्या हो सिंगल फेज हो, ठीक है सिंगल फेज हो, और पॉसिबिलिटी किसकी है मल्टीपल फेज की भी, मल्टीपल फेज की पॉसिबिलिटी किसकी है मल्टीपल फेज की भी। अब देखना बहुत ध्यान से देखना, जब भी हम सिंगल फेज की बात करेंगे, जब भी हम सिंगल फेज की बात करेंगे तो वहां पे मास ट्रांसफर के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या होने वाला है, दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, मोल फ्रैक्शन डिफरेंस, मोल फ्रैक्शन डिफरेंस, ठीक है एंड पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, एंड पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, ठीक है ये ड्राइविंग फोर्स यहां पे अवेलेबल होंगे। जब भी हम मल्टीपल फेज की बात करेंगे तब हम लोग ये गारंटी नहीं ले पाएंगे कि भैया कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है तब तक मास ट्रांसफर होगा, इन केस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस दो फेज में नहीं है तो मास ट्रांसफर रुक जाएगा, इस बात की हम लोग गारंटी नहीं ले पाएंगे। उस चीज की गारंटी लेने के लिए हमारे पास एक टेक्निकल टर्म यूज करेंगे, दैट विल बी केमिकल पोटेंशियल, दैट विल बी केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस, केमिकल पोटेंशियल नहीं बोलना है, केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस बोलना है, केमिकल केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, मल्टीपल फेज के लिए बात कर रहा हूं, अभी मैं इसका एक्सपेरिमेंट आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनते चले जाइए, ठीक है बहुत ध्यान से समझते चलिए, केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस लिखते चले जाइए सारे ड्राइविंग फोर्स, वन सेकंड गिव्स फ्री एनर्जी डिफरेंस, गिव्स फ्री एनर्जी डिफरेंस, गिव्स फ्री एनर्जी डिफरेंस, एक्टिविटी डिफरेंस, थर्ड वन एक्टिविटी डिफरेंस, एक्टिविटी डिफरेंस, ठीक है अनदर वन इज द फ्यूगेसिटी डिफरेंस, अनदर वन इज द फ्यूगेसिटी डिफरेंस, डिफरेंस,
ठीक है ना, आपने थर्मोडायनेमिक्स सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स में मैंने चारों टर्म बहुत घूम घूम के आप लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक है, कब फिर से मौका लगेगा फिर से चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है। केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी डिफरेंस क्या है, एक्टिविटी डिफरेंस क्या है, फ्यूगसिटी, इनका कैसे यहां पर रोल है, अभी एक एक चीज को खोल खोल के मैं बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ धैर्य रखिएगा, बात समझिएगा, पहले आप लोग अभी ये मैंने सिर्फ आपको बता दिया ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बताऊंगा बहुत ढंग से। आप लोगों ने यह बात समझ ली कि सिंगल फेज है तो उसके लिए मैंने कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस आपको मास ट्रांसफर के लिए ड्राइविंग फोर्स बताया। इन केस आपका मल्टीपल फेज है क्योंकि पॉसिबिलिटी है आपका गैस गैस में भी मास ट्रांसफर हो सकता है, गैस का लिक्विड में भी हो सकता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो उसका भी मास ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन वहां पे अवेलेबल जो ड्राइविंग फोर्स है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से हम लोग गारंटी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। होता है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस लेकिन ये जरूरी नहीं है, वहां पे जो रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो रोल इंपॉर्टेंट अपना रोल प्लेगा जो क्या होगा भैया, केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे अब चर्चा करते हैं। ये है क्या, देखो बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता देता हूं, इतनी बात आ गई ना समझ में, नोट्स बना रहे हो ना प्रॉपर तरीके से, मैं लिख रहा हूं उसमें प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूं, प्रॉपर तरीके से आपके नोट्स बनने चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो, अब देखो मैं बोलूं कि अपने पास एक सिस्टम है, एक्सपेरिमेंट को समझना, बहुत ध्यान से समझना एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्यों हो क्यों रहा है, ये समझना ऐसा हो क्यों रहा है, इस बात को थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना। मैं बोलूं इधर अपनी क्या है, गैस, इधर अपनी भैया गैस है, ठीक है, इधर गैस है और इधर अपना भाई साहब लिक्विड है, ठीक है, इधर अपना लिक्विड है, आराम से लिक्विड लिख लो, इधर गैस लिख लो। मैं बोलूं गैस में एयर प्लस एनएच थ्री है, गैस में एयर प्लस एनएच थ्री है, इधर हम एनएच थ्री को किसमें डिजॉल्व करवा रहे हैं, इधर अपना वाटर है, ठीक है, इधर अपना वाटर है। तो मैं बोलूं गैस साइड में एनएच थ्री की कॉन्सेंट्रेशन वाई एनएच थ्री है, वाई बहुत ध्यान से समझते चलिए, ये वाई एनएच थ्री है, ठीक है। और मैं बोलूं अपनी जो लिक्विड साइड कंपोजिशन है एनएच थ्री की, एक्स एनएच थ्री है। अच्छा अब देखना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से बताएंगे फ्यूगोसिटी मींस क्या है, बताएंगे डोंट वरी, ठीक है, अभी बताएंगे वो फ्यूगोसिटी वाला टर्म हम लोग सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स में भी सीख लेंगे, ठीक है, क्या है क्या नहीं है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अदरवाइज फ्यूगोसिटी बताने लगे तो उसका एक लेक्चर अलग है, उसका फिर पूरा लेक्चर फ्यूगोसिटी पे निकल जाएगा कमल, तो वेट करो सारा कुछ मिलेगा, वेट करो, ठीक है ना, जितना चल रहा है उसको अच्छे से गेनिंग वाले पार्ट में लेके आओ। तो एयर प्लस एनएच थ्री है, ये अपना वाई एनएच थ्री, बहुत ध्यान से समझना। मैं बोलूं अपनी कंपोजिशन, चलो मैं इस तरीके से थोड़ा मैथमेटिकली लिख देता हूं, यहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सपोज कर लो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहां पे अपनी कॉन्सेंट्रेशन है 0.6 है, तो मैं बोलूंगा यहां पे 0.6 है, इन केस यहां पे 0.4 हुई, बहुत ध्यान से समझिएगा, सिंगल फेज और मल्टीपल फेज का यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहां पे 0.4 है किसकी, NH3 की कॉन्सेंट्रेशन, और इस लोकेशन पे 0.6 है, तो यहां पे कोई जरूरी नहीं है कि केमिकल पोटेंशियल दोनों जगह डिफरेंस हो, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से भी मास ट्रांसफर होगा, क्योंकि दोनों जगह क्या है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, पार्शियल प्रेशर ये डिफरेंस है, क्या है, कंपोजिशन डिफरेंस है। तो यहां पे सिंगल फेज है, ये पूरा क्या है, देखो सिंगल फेज है, दिस इज द सिंगल फेज राइट, तो सिंगल फेज में जो मास ट्रांसफर के लिए जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है। जब तक ये 0.6 यूनिफॉर्म एवरीवेयर नहीं हो जाएगा तब तक मास ट्रांसफर यहां होता रहेगा, यहां कोई जरूरी नहीं है केमिकल पोटेंशियल। अब ध्यान से सुनना, मैं बात करूंगा लिक्विड की, लिक्विड में NH3 की, मैं बोलूं लिक्विड में NH3 की कंपोजिशन है 0.2 इस समय, मैं बोलूंगा लिक्विड में यहां पे इनके 0.1 है और यहां पे 0.15 है, जब तक ये यूनिफॉर्म नहीं हो जाता है तब तक इसमें मास ट्रांसफर होगा, बिकॉज ऑफ देयर इज कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। तो सिंगल फेज में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस उसका रोल प्ले करता है मास ट्रांसफर में। अब मल्टीपल फेज की मैं बात कर रहा हूं, देखो बहुत ध्यान से समझना, मैं बोलूं यहां पे अपनी NH3 की कॉन्सेंट्रेशन 0.6 है, यहां पे NH3 की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल है कि गैस से लिक्विड में मास ट्रांसफर ना हो, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहां पे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि यहां पे 0.6 हो और यहां पे 0.4 हो, यहां पे मास ट्रांसफर ना हो, यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं थी, यहां पे होना ही पड़ेगा उसको सिंगल फेज के लिए। लेकिन जब भी मैं मल्टीपल फेज की बात करूंगा तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होते हुए भी मास ट्रांसफर आपका रुक जाएगा, बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि दोनों सिस्टम का केमिकल पोटेंशियल ऑफ गैस फेज और केमिकल पोटेंशियल ऑफ द लिक्विड फेज में भी इक्वल, ये यहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है।
इन केस दोनों फेज का केमिकल पोटेंशियल इक्वल हो गया तो अब भाई साहब मास ट्रांसफर नहीं होगा, राइट? बात आ रही है ना समझ में? तो इस वजह से हम लोग मल्टीपल फेज के लिए केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, किसमें? ड्राइविंग फोर्स फॉर मास ट्रांसफर। बात आई इतनी समझ में? सारे लोग बताएंगे ड्राइविंग फोर्स की बात आई ना समझ में? ड्राइविंग फोर्स की भाई साहब सारे लोगों को बात आई समझ में? एक बात इतनी मेरे को बताओ पहले, क्योंकि यहां पे ड्राइविंग फोर्स का पंगा बहुत ज्यादा रहता है। ड्राइविंग फोर्स की बात आई सारे लोगों को समझ में? जल्दी से बताएंगे थोड़ा, ठीक है? यहां पे पॉसिबिलिटी है कि मास ट्रांसफर ना हो, देयर इज सम ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स अवेलेबल है। देखो यहां पे 0.6 है और यहां पे ये क्या है, NH3 की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है, ड्राइविंग फोर्स अवेलेबल है कॉन्सेंट्रेशन में, लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ केमिकल पोटेंशियल सेम हो चुका है, ठीक है? तो सिंगल फेज के लिए यही नोट करना, ये वाली चीज, सिंगल फेज के लिए ड्राइविंग फोर्स जो मास ट्रांसफर के लिए होता है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, मोल फ्रैक्शन डिफरेंस एंड पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, ठीक है? मल्टीपल फेज के लिए मैं बात करूंगा तो वहां पे केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस का होना मस्ट है फॉर मास ट्रांसफर, नहीं डिफरेंस है तो फिर मास ट्रांसफर नहीं होगा। अब बात करते हैं केमिकल पोटेंशियल पे, डीपली क्लियर हुआ ना? अब बात करते हैं केमिकल पोटेंशियल पे, एक एक टर्म मैं आपको बता दूंगा केमिकल पोटेंशियल कैसे, बिल्कुल एकदम से झूमोगे भी केमिकल पोटेंशियल में, ठीक है? बहुत मस्त तरीके से हम लोग केमिकल पोटेंशियल भी पढ़ने वाले हैं। केमिकल पोटेंशियल क्या है भाई साहब? केमिकल पोटेंशियल, इसके बारे में थोड़ी बात कर लें, क्योंकि अभी केमिकल पोटेंशियल हो गया लेकिन मतलब नहीं समझ में आया भैया ये है क्या चीज, ठीक है? हाँ 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 ठीक है, तो केमिकल पोटेंशियल क्या है इसके बारे में थोड़ी हम बात कर लेते हैं। ये क्यों इंजीनियरिंग में आया, इसकी क्या नीड पड़ी भाई साहब कि इस चीज को निकाल के लेके आए हम लोग, ठीक है? तो बहुत आराम से सुनिएगा केमिकल पोटेंशियल की हिस्ट्री, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिंगल फेज में नहीं स्टॉप हुआ गुरु, सिंगल फेज में स्टॉप ही नहीं हुआ भाई साहब, सिंगल फेज में स्टॉप नहीं हुआ, सिंगल फेज में मास ट्रांसफर होता रहेगा जब तक ड्राइविंग फोर्स कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, जब तक ड्राइविंग फोर्स कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा सिंगल फेज में मास ट्रांसफर होता रहेगा गुरु। अब होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है? सिंगल फेज में जब तक, लेकिन ये दो डिफरेंट डिफरेंट फेज है, ये अपना गैस है ये लिक्विड है, दो डिफरेंट डिफरेंट फेज है, इनमें भाई साहब जरूरी नहीं है कि ड्राइविंग फोर्स कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस एग्जिस्ट करे और मास ट्रांसफर होता रहे। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आप कॉन्सेंट्रेशन NH3 की 0.6 लीजिएगा और NH3 की लिक्विड में 0.2 लीजिएगा, इसके बाद मास ट्रांसफर रुक जाता है, ठीक है? इसके बाद मास ट्रांसफर रुक जाता है। केमिकल पोटेंशियल इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स भाई साहब मल्टीपल फेज के लिए, ड्राइविंग फोर्स का जो किंग है ना वो केमिकल पोटेंशियल है, ठीक है? मल्टीपल फेज के लिए जो किंग है वो केमिकल पोटेंशियल है, सिंगल फेज के लिए जो किंग है वो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं केमिकल पोटेंशियल की। देखो भाई साहब केमिकल पोटेंशियल क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा केमिकल पोटेंशियल क्या है। मैं बोलूं आपके पास ये कोई सिस्टम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कोई आपका सिस्टम है, ठीक है? चलो मैं यहां पे बता देता हूं, मैं पहले टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करे ले रहा हूं, आपने कितने टाइप्स, अभी केमिकल पोटेंशियल की मैं बात करूंगा, मैं यहां पे बात करता हूं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। आपने कितने टाइप्स का इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक आपने बात की होगी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है? एक आपने बात की थी थर्मल इक्विलिब्रियम। बहुत ध्यान से यहां से कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है? क्या मैं बोल रहा हूं, ठीक है? लास्ट में आपने बात की केमिकल इक्विलिब्रियम। इनका मतलब क्या है, आपका जो सिस्टम है उसमें तीन पॉसिबिलिटी है, या तो वो सिस्टम आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, या आपका सिस्टम कैसा हो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, या आपका सिस्टम कैसा हो केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, इन तीनों का मतलब क्या है ये समझो। मैं बात करता हूं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, आपका कोई सिस्टम है,
आपका कोई सिस्टम है, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपका कोई सिस्टम है, सपोज कर लो दिस इज आवर सिस्टम, ठीक है, आपका कोई सिस्टम है, राइट, मैं बोलूं कि ये अपना कोई सिस्टम है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात समझिएगा, ये अपना कोई सिस्टम है, ठीक है, मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं, केस वन, केस मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैं बोलूं इसको मैं दो पार्टों में कन्वर्ट कर देता हूं, दो पार्टों में मैंने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया। अब मैं बोलूं मैं इस साइड मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स डाल दिए, इस साइड मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स डाल दिए, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स है और इस साइड भी हमारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, बहुत ध्यान से समझते चलिए, इस साइड भी हमारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है ये बताओ, मैं बोलूं इनको मैंने अलाउ कर दिया, यहां पे इसका प्रेशर, ये मॉलिक्यूल है ये कुछ डिफरेंट प्रेशर पे है, मैं बोलूं कि ये P1 प्रेशर पे है, मैं बोलूं जो अपने मॉलिक्यूल्स ग्रीन वाले हैं वो P2 प्रेशर पे है। सारे लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, मैं क्या करता हूं, अभी क्या किया मैंने इसके बीच में पार्टीशियन लगा रखा, पार्टीशियन लगा रखा है, हाँ अभी मैंने इसके बीच में पार्टीशियन लगा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करता हूं मैं इस पार्टीशियन को रिमूव कर देता हूं, इसको मैंने रिमूव कर दिया, अलाउ टू मिक्स, मैंने अलाउ कर दिया मिक्स होने को, तो क्या होगा, ये जो प्रेशर है और ये प्रेशर है इसके अभी इनिशियल में दोनों जगह अलग अलग प्रेशर है, दोनों जगह डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर हुआ, तो ये मॉलिक्यूल्स इधर की ओर ट्रांसफर होंगे और ये वाला जो मॉलिक्यूल ये जो सिस्टम का वॉल्यूम है वो इस साइड ट्रांसफर होगा और जो इस वाले सिस्टम का वॉल्यूम है वो इस साइड ट्रांसफर होगा, मतलब ये जो गैस है, गैस ए और गैस बी, इन दोनों के वॉल्यूम में एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा। वॉल्यूम में एक्सचेंज होना कब तक रहेगा, जब तक दोनों सिस्टम का प्रेशर पी वन इक्वल टू पी टू नहीं आ जाता है, जब तक दोनों सिस्टम का प्रेशर सेम नहीं हो जाता है तब तक इसमें कॉन्टिन्यू वॉल्यूम का ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है। तो जब तक दोनों प्रेशर इक्वल में नहीं आ जाते, बोलते हैं जब वो सिस्टम का प्रेशर इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। एक बात, सेकंड बात समझो, यहां पे सेकंड बात समझो, सेकंड में बोलूं थर्मल इक्विलिब्रियम की क्या सिचुएशन है, थर्मल इक्विलिब्रियम की क्या हम लोग बात करते हैं, केस टू, बहुत ध्यान से समझते चलिए, केस टू, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या बात करते हैं, कोई हमारा ये सिस्टम होता है, सपोज कर लो ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है, अभी मैंने इसके बीच में पार्टीशन लगा दिया है, इससे हमको बात आ जाएगी समझ में पार्टीशन का मतलब क्या है, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम है इसका मतलब मॉलिक्यूल्स हमारे इधर है, ए मॉलिक्यूल्स इधर है और हमारे बी मॉलिक्यूल्स इस साइड है, हमारे बी मॉलिक्यूल्स इस साइड है, ठीक है। मैं बोलूं ए मॉलिक्यूल्स जो इसमें है प्रेजेंट, उनका टेम्परेचर टी वन है, राइट, इनका टेम्परेचर टी वन है और जो बी मॉलिक्यूल है इनका टेम्परेचर, अनदर टेम्परेचर है टी टू, इनका अनदर टेम्परेचर है टी टू, ठीक है, यहां पे जो मॉलिक्यूल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये बताओ इन केस दोनों के डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर है तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होगा, या तो हाइट हाई एनर्जी ग्रेड हमेशा लो एनर्जी ग्रेड की ओर मूव करेगी, ठीक है, तो हाई एनर्जी ऑलवेज कहां पे जाएगी, लो एनर्जी की ओर। इन केस टी टू ज्यादा हुआ तो टी टू वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपनी एनर्जी इस साइड ट्रांसफर करेंगे, तो एनर्जी का एक्सचेंज कब तक होता रहेगा, कब तक एनर्जी का एक्सचेंज होता रहेगा, जब तक दोनों टेम्परेचर दोनों सिस्टम के सेम नहीं हो जाते या पूरे सिस्टम का एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर टी नहीं हो जाता, जब तक यूनिफॉर्म टेम्परेचर टी नहीं होता था इन केस आपने अलाउ कर दिया मिक्सिंग, तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। एनर्जी का एक्सचेंज तब तक होगा जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं थर्ड वन, सर एनर्जी ट्रांसफर तब तक होगी जब तक टेम्परेचर सिस्टम के इक्वल ना हो जाए, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात बोली है, बिल्कुल सही बात बोली है, कोई इसमें संदेह नहीं है, ठीक है आदर्श। चलो मैं थर्ड वन बात करता हूं केमिकली इक्विलिब्रियम, थर्ड वन में बात करूं यहां पर केमिकली इक्विलिब्रियम, थर्ड वन केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, बहुत ध्यान से नोट करते चले जाइए, सिस्टम आप अपनी कॉपी में बनाते जरूर चले जाइए, ठीक है, एट द लास्ट रिवाइज करने में आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाएगा ये, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा गुड फीलिंग आएगी तब ये चीजें आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, तो नोट्स में फिगर जरूर इन्वॉल्व करिए अपने। मैं बात करूंगा केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या पंगा है भाई साहब, एक सिस्टम ले लो, इसमें भी एक सिस्टम ले लो, ठीक है, सिस्टम ले लो, मैं बोलूं ये अपना कोई भाई साहब सिस्टम है, सेम अगेन पार्टीशियन है, पार्टीशियन है, मैं बोलूं इसमें ए के नंबर ऑफ मोल्स, ए के नंबर ऑफ मोल्स एन वन है, इसमें मैं बोलूं अपना बी मॉलिक्यूल है, बी मॉलिक्यूल्स हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स एन टू है,
यहां पे आपके नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकते हैं, मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, दोनों साइड लिक्विड भी भरा हो सकता है, कोई समस्या नहीं है भाई साहब। लिक्विड के एक मॉलिक्यूल एक साइड हो सकते हैं और एक साइड लिक्विड भी हो सकता है, एक साइड अपना गैस ए हो सकता है, एक साइड अपना गैस बी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है एक साइड गैस हो और एक साइड लिक्विड हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। सिस्टम हो, सिस्टम क्या हो सकते हैं, गैस लिक्विड कुछ भी हो सकता है, इवन सॉलिड भी हो सकता है, हो सकता है इधर सॉलिड हो और इधर अपना गैस हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकते हैं, मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है, इसका यहां पर पार्शियल प्रेशर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स है, उसके मोल फ्रैक्शन है, उसके हिसाब से उसका पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स Na2 के हैं, या Na2 के, यहां पर बी मॉलिक्यूल्स है तो इसके बाई Na2 के मोल फ्रैक्शन होंगे, यहां पर किसके होंगे N1 के मोल फ्रैक्शन होंगे। अब देखना ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मैं बोलूं कि मैंने मिक्सिंग को अलाउड कर दिया, मैंने ये पार्टीशन को हटा दिया, ये पार्टीशन को हटा दिया, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक इधर जा सकते हैं, और ये वाला अपना इस पोजीशन से इस पोजीशन पे भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कॉन्सेंट्रेशन किसकी किस साइड कितनी है, ठीक है ना। ए के मॉलिक्यूल्स इस साइड ज्यादा है, इस साइड कम है, तो ए का इधर ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, बी के इधर ज्यादा है, इधर बी के कम है, तो बी का इधर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। वो कब तक होगा उसकी गारंटी लेंगे, उसकी गारंटी लेंगे भाई साहब केमिकल पोटेंशियल, मतलब वो कब तक होगा, जब तक दोनों सिस्टम का केमिकल पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, दोनों सिस्टम का केमिकल पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता है तभी हम लोग बोलेंगे अब देयर इज नो एनी एटॉमिक एक्सचेंज। अब यहां पे कोई एटॉमिक एक्सचेंज नहीं होगा, मोल का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम अचीव्ड केमिकली इक्विलिब्रियम, ये जो सिस्टम है वो केमिकली इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका है, तो μ1 इक्वल टू μ2 आ जाएगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे ये सिस्टम किसमें आ गया, केमिकली इक्विलिब्रियम। भाई साहब देयर इज नो मास ट्रांसफर। इतनी बात आई समझ में सारे लोगों को, यस। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ी और केमिकल पोटेंशियल पे बात कर लेता हूं। ये तो हम लोगों ने ये बात समझ में आ गई कि केमिकल पोटेंशियल जैसे इक्वल हो रहा था, नंबर ऑफ मोल्स का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ी और केमिकल पोटेंशियल पे बात कर लेते हैं। ये क्या करता है, रियल सिस्टम है अपना, कोई अपना रियल सिस्टम है, उसमें स्पीसीज आई का बिहेवियर बताता है, ठीक है। ये जो केमिकल पोटेंशियल है रियल सिस्टम में स्पीसीज, पर्टिकुलर स्पीसीज का बिहेवियर बताता है, उसकी एनर्जी कितनी अवेलेबल है उसके बारे में बात वो करता है, उसके बारे में रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, केमिकल पोटेंशियल को अभी छोड़ेंगे नहीं, अभी बिल्कुल पकड़ के रखेंगे। मैं बोलूं केमिकल पोटेंशियल है क्या, एक और सिस्टम चलो ले लेते हैं, मैं बोलूं अभी जस्ट हेडिंग ही डालो केमिकल पोटेंशियल ही चल रहा है अभी पूरा अपना, ठीक है। एक और मैं सिस्टम ले लेता हूं, चलो एक मैंने सिस्टम ले लिया, बहुत ध्यान से समझिए। अब केमिकल पोटेंशियल को एनर्जी से कैसे रिलेट करेंगे वो बात समझिए, क्योंकि जो भी मास ट्रांसफर होता है थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करेंगे, वो थर्मल एनर्जी डिफरेंस की वजह से और होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की कितनी थर्मल एनर्जी है, ठीक है, तो एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स मास ट्रांसफर में अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी से कैसे रिलेट है उसकी मैं यहां पर बात करने वाला हूं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव समझ गए हो ना सारे लोग, चलो मैं बोलूं ये अपना कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में अपने ए बी है प्रेजेंट और अपना भाई साहब बी भी प्रेजेंट है। मैं बोलूं कोई अपना बाइनरी सिस्टम है, मल्टी कंपोनेंट सिस्टम भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी मैं बाइनरी सिस्टम ले रहा हूं ए और बी, सिर्फ हमारी बात आसान हो जाएगी समझने में, इस वजह से मैंने दो सिस्टम लिए, ठीक है, ए एंड बी। ये अपना कोई सिस्टम है, मैं बोल रहा हूं कि इस सिस्टम का भाई साहब मैंने क्या किया, टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स किए, क्योंकि चीजें आप टेम्परेचर चेंज करोगे चीजें इजी तरीके से चेंज होने लगती है, कोई बड़ी बात नहीं। आप प्रेशर चेंज करोगे इजी तरीके से चीजें चेंज हो जाती है, कोई बात नहीं। तब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं उसके हिसाब से एनर्जी कैसे चेंज होती है, तो आप लोगों को दो पैरामीटर कॉन्स्टेंट रखने पड़ेंगे तभी आप उन चीजों की आप स्टडी कर पाओगे, ठीक है। तो टेम्परेचर प्रेशर मैंने कॉन्स्टेंट रखे और अपने ए मॉलिक्यूल्स है बी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। मैं बोलूं इसमें मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ ए एड किया, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ए ऐड किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ऐड की, बहुत ध्यान से, ये क्या है, ए इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऐड किया, स्मॉल अमाउंट,
ठीक है, ऐड किया मैंने इसके अंदर, सिस्टम के अंदर ऐड किया। अब इसकी गिव्स फ्री एनर्जी कैसे चेंज हो रही है वो देखिएगा। गिव्स फ्री एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड ऑन द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स। dg इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स na dna। चलो मैं स्मॉल ले लेता हूं na, इस पे डायरेक्टली वो डिपेंड करता है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स चेंज करोगे सिस्टम की गिव्स फ्री एनर्जी चेंज हो जाएगी, ये बात हमको आती है समझ में, ठीक है। वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे करेगा, नंबर ऑफ मोल्स पे। टेम्परेचर प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज करोगे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होगी, प्रेशर चेंज करोगे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होगी। लेकिन हमने दो पैरामीटर कांस्टेंट रखे, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हमारा नंबर ऑफ मोल्स जैसे चेंज होगा हमारा गिव्स फ्री एनर्जी चेंज हो जाएगी सिस्टम की। बहुत ध्यान से समझिएगा यहां पे बात, यस यस, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक, ठीक है। चलो अब मैं बोलूं, मैं ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा रहा हूं, मैं ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा रहा हूं, तो मैं कैसे लिख रहा हूं, dg इज इक्वल टू म्यू डी एन ई, म्यू डी एन ई, ठीक है। अब यहां से केमिकल पोटेंशियल की देखना डेफिनेशन निकल के आ जाएगी, केमिकल पोटेंशियल विल बी इक्वल डी जी अपॉन डेल एन ए। अब पैरामीटर कांस्टेंट क्या क्या रखे थे आपने, टेम्परेचर प्रेशर, सिर्फ आप ए स्पीसीज उसके अंदर डाल रहे थे, बी स्पीसीज नहीं डाल रहे थे। इसका मतलब एन बी भी आपने कांस्टेंट रखे थे, यही तो डेफिनेशन होती थी। इसी को तो आप लोग बोलते थे पार्शियल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी। आप स्पीसीज ए के लिए मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे ए लिख दो, अब मैं ए के लिए बात कर रहा हूं तो यहां पे ए लिख दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई साहब, पार्शियल गिव्स फ्री एनर्जी। इसी को तो लिखते थे, बोलिए सारे लोग, इसी को तो लिखते थे आप लोग, इसी को तो केमिकल पोटेंशियल आप लोग बोलते थे, पार्शियल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। और पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन हुआ करती थी, आप लोगों ने सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ स्पीसीज आई कैसे डिफाइन हुई, डेल एन एम अपॉन डेल एन आई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एन जे नॉट इक्वल टू आई। ये तो निकल के आ गया, ये तो निकल के आ गया, जी की जगह एम की जगह क्या डाल दो, जी डाल दो, वो चीज तो लिखी है। तो इसका मतलब जो हमारी केमिकल पोटेंशियल होता है वो, उसको और किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू ऑफ इज इक्वल टू म्यू ऑफ आई इज इक्वल टू जी ऑफ आई बार, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब कोई आपके दो सिस्टम है, दो सिस्टम है, दो सिस्टम है, इसका म्यू वन ये है, म्यू आई है, और म्यू टू ये है, इनकेस दोनों सिस्टम के केमिकल पोटेंशियल सेम है, दैट मीन्स गिव्स फ्री एनर्जी भी उसकी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा कि जो केमिकल पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होता है, पार्शियल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी। अब जैसा स्पीसीज आई के लिए लिखेंगे तो स्पीसीज आई की बात कर लो, ठीक है, ए की बात करेंगे दोनों जगह ए रख देना, बी की बात करेंगे तो दोनों जगह बी रख देना। थोड़ा और इस पर बात करते हैं, अभी थोड़ी और बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझते चले जाइए। Yes, anyone can tell me the what is the Gibbs free energy? इनकी अभी बात करेंगे कमल। अभी मुझे 5 मिनट बाद आप लोग ये चीज रिकॉल करवाना, Gibbs free energy क्या है? मैं बात करता हूँ, ठीक है? दिखती नहीं है Gibbs free energy क्या है? क्या है Gibbs free energy? उसपे बात करेंगे, ठीक है कमल? अभी आप ये कमेंट करिएगा 5 मिनट बाद, ये लेक्चर, ये वाला पार्ट खत्म होने के बाद, ओके? कमल, ठीक है? Gibbs free energy क्या है? भी मैं आपको बता दूंगा क्या है Gibbs free energy, ठीक है? चल, तो ये बात हो गई इतनी, अभी थोड़ा और इसमें मैं बात करता हूं। ये क्या लिखा है, स्लोप, ये स्लोप लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, स्लोप। अब देखना इधर, मैं बोलूं कि अपना ये कोई सिस्टम है, इतनी यहां तक आप लोगों को बात आ रही होगी, होप सो समझ में। मैं बोलूं कि अपने पास भैया ये एक्सिस ए है, थोड़ा और ग्राफ से समझिएगा थोड़ा इसी चीज को। मैं बोलूं कि अपना भैया बाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है, बहुत ध्यान से समझना। बता रहे ऋतिक, बता रहे गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, बता रहे हैं, डोंट वरी। मैं क्या बोलूं, मैं बोल रहा हूं कि अपना ये अपना गिव्स फ्री एनर्जी है इस साइड, अभी क्या होती है मैं बता दूंगा, डोंट वरी बता दूंगा, ठीक है। अभी जितना चल रहा है उसको बहुत ध्यान से समझते चले जाइए, बस अभी याद कर लो गिव्स फ्री एनर्जी कोई एनर्जी है, बस इतना माइंड में रखो, भी मैं बता रहा हूं, 5 मिनट रुको। गिव्स फ्री एनर्जी इधर है और इधर अपने कंपोजिशन है 1 और 2, ठीक है। अब मैं प्लॉट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, प्लॉट कर रहा हूं, यहां से प्लॉट कर रहा हूं, मैं गिव्स फ्री एनर्जी को प्लॉट कर रहा हूं। आप लोग गिव्स फ्री एनर्जी वर्सेस कंपोजिशन का प्लॉट करेंगे तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन ना जाके ये कुछ इस तरीके से इसका नेचर जाता है, इस तरीके से नेचर जाता है, ठीक है। कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में कोई भी सिस्टम होगा उसका नेचर इस तरीके से फॉलो करता है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकता है, कोई कभी स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा। अब देखो आपने म्यू क्या लिखा है, म्यू क्या लिखा है ऊपर,
ऊपर आपने म्यू क्या लिखा है, देखो आपने जो भी ऊपर म्यू लिखा था, मैं इस साइड से लिख देता हूं, म्यू क्या लिखा था आपने, जो म्यू लिखा था डी जी अपॉन डी एन आई, ये लिखा था एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एन जी, ये तो लिखा था आपने। देखो ये क्या है, स्लोप है ना, ये क्या है भाई साहब, स्लोप है, ये एक स्लोप है। सपोज कर लो आपका कोई सिस्टम है, आपके पास कोई सिस्टम है, आपके पास ये कंपोजिशन पता होंगे, आपका कोई मिक्सचर है उसमें ए के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, बी के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, आपके मोल फ्रैक्शंस आपको नोन है। तो सपोज कर लो मेरे पास भाई साहब ये हमको पॉइंट अवेलेबल है, कोई हमारा सिस्टम है, यहां पे हमको ये वाली सिचुएशन पता है। थोड़ा आप लोग गौर करिएगा, ये थोड़ा सा रिसर्च बेसिस की बातें हैं, ठीक है, थोड़ा रिसर्च बेसिस की बातें हैं, तो थोड़ा इस पे थोड़ा गौर करिएगा। आपका कोई सिस्टम है, कोई जरूरी नहीं है वो इक्विमोलर मिक्सचर हो, ऐसा नहीं है पांच मोल ए के हो पांच मोल बी के हो, कोई ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इक्विमोलर मिक्सचर भी हो, ऐसा भी हो सकता है ए के 10 मोल हो और बी के 50 मोल हो, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट इस लाइन पे कहीं पे भी लाई कर सकता है, क्योंकि दिस द मोल फ्रैक्शन राइट, तो ये मोल फ्रैक्शन ये वाला पॉइंट कहीं पे भी लाई कर सकता है। मैं बोल रहा हूं ये वाला पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है, ये अपना ए है प्योर, ए 100% है यहां पे, ठीक है, और यहां पे अपना बी 100% है, यहां पे अपना बी 100% है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इसका मतलब जो आपका मिक्सचर है उसमें बी का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, क्योंकि यहां पे एक्स टू ज्यादा है, मींस एक्स वी की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि ये बी के नियर अबाउट है, ए इतना चल के आ गया। बात समझ रहे हो ना सारे लोग, सारे लोगों को बात आ रही है ना समझ में, बात आ रही है ना समझ में, ठीक है, ये वाला पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। अब देखना मैं बोलूं इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, मैं इस पे टेंजेंट डाल रहा हूं, पर्टिकुलर कंपोजिशन पे मैं इस पे क्या कर रहा हूं भाई साहब, टेंजेंट डाल रहा हूं, टेंजेंट मेरे को डालना है, चल टेंजेंट डाल दो भाई साहब, टेंजेंट डाल दो थोड़ा मस्त तरीके से आप लोग डालेंगे, ठीक है, तो मैं इस वाले पॉइंट को थोड़ा शिफ्ट कर दूंगा क्योंकि वहां पे चलो हाँ बन गया कोई दिक्कत नहीं, मैं इस पे टेंजेंट डाल रहा हूं। अब देखना ये गेट 2018 में जो क्वेश्चन बनाया था ना आईआईटी गुवाहाटी ने, ठीक है, इसी चीज को सोच के बनाया था, आप लोग देखेंगे जाके, ठीक है, एक केमिकल पोटेंशियल पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मैं बोलूं ये अपना म्यू ए है और ये अपना क्या है म्यू बी है, ये अपना क्या है म्यू बी है, ठीक है, म्यू बी केमिकल पोटेंशियल ऑफ द कंपोनेंट वी और दिस द म्यू ए, ठीक है, ये आप लोगों को ग्राफ से मिल जाएगा, कैसे इंटरसेप्ट वगैरह जाएगा ये आपको मिल जाएगा, अभी मैं बता दूंगा ये लाइन कैसे निकल के आती है, बिल्कुल आराम से समझते चले जाइएगा बात क्या है। मैं बोलूं ये वाला जो स्लोप है, ये वाला स्लोप है, ये किसी भी कंपोजिशन पे ऐसा हो सकता है। अब देखना मैं बोलूं ये वाला जो पॉइंट है किसी, ये वाला जो मिनिमा है, एक बात ध्यान रखो, ये वाला जो मिनिमा है कोई जरूरी नहीं है ये इक्विमोलर मिक्सचर पे हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो मिनिमा है कि ये वाला जो पॉइंट हो x1=x2, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई साहब, इट मे बी मे नॉट बी, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट, उस डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच में सॉल्युबिलिटी कितनी है, ठीक है, वो वहां पे डिपेंड करेगा कि यहां पे पॉइंट आ रहा है कि दोनों इक्विमोलर पे लाई कर रहे हैं, मतलब ए का भी 50% है बी का भी 50% है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब देखना बात समझना, मैं बोलूं कि ये जो मिनिमा है यहां पे टेंजेंट डालो, इस टेंजेंट को, अच्छा एक चीज बताओ, हमारे पास दो सिस्टम थे, हमने केमिकल पोटेंशियल इक्वल करवाना है, हमको मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, केमिकल पोटेंशियल इक्वल करवाना है डिफरेंट कंपोजिशन पे, तभी तो हम बात कर पाएंगे कि ड्राइविंग फोर्स मास ट्रांसफर के लिए केमिकल पोटेंशियल होता है फॉर मल्टीपल फेज। देखना अब देखो मैं बात करूं, ये मैं स्लोप है, जो मैं स्लोप को थोड़ा थोड़ा कम करता चला जाऊं और इस पॉइंट पे लेके आऊं, इसके मिनिमा पे, गिब्स फ्री एनर्जी के मिनिमा पे, इसके मैं मिनिमा पे लेके आऊंगा, तो ये जो स्लोप होगा कैसे देखो जाता चला जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे देखो जाएगा, मैं बोलूं ये इस तरीके से जाएगा, तभी मैं बोलूंगा म्यू ए बराबर म्यू टू, म्यू ए इक्वल टू म्यू बी, किस केस में होगा जब आपका गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम होगा, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा जीरो, गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम होगा तभी तो केमिकल पोटेंशियल क्या होंगे इक्वल होंगे, इसका मतलब अब मास ट्रांसफर नहीं होगा भाई साहब, अब मास ट्रांसफर नहीं होगा दोनों फेज के, जी दो फेज है अल्फा और बीटा, मैं बोलूंगा म्यू अल्फा विल बी इक्वल म्यू बीटा एट दिस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हो सकता है इस वाले पॉइंट पे दोनों इक्वल ना हो सकता है इस वाले पॉइंट पे इक्वल ना हो सकता है इस वाले पॉइंट पे भी इक्वल ना हो, और हो सकता है लेकिन कहां पे इक्वल हो रहा है इस वाले पॉइंट पे, ये कंपोजिशन
ये कंपोजिशन x1 में भी इक्वल टू x2 हो सकती है, दिस कंपोजिशन x1 नॉट इक्वल टू x2 भी हो सकती है। तभी आप लोग बोलते हो कि मास ट्रांसफर के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो केमिकल पोटेंशियल है, कंपोजिशन डिफरेंट है। देखो इस पॉइंट पे कंपोजिशन डिफरेंट है लेकिन दोनों का केमिकल पोटेंशियल क्या हो गया, इक्वल हो गया, दैट मींस मास ट्रांसफर नहीं होगा। और यह कोई जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट पे कंपोजिशन सेम हो, इस पॉइंट पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई साहब कंपोजिशन सेम हो, कंपोजिशन डिफरेंट है लेकिन केमिकल पोटेंशियल इक्वल हो गए। यही तो मैंने फिगर बनाया था, इधर अपना क्या था NH3 थी गैस और इधर अपना क्या था लिक्विड था, इसका मतलब यहां पे कितना था 0.6 था, यहां पे 0.2, तो ये x1 हो सकता है 0.6 और x2 0.2 हो, लेकिन केमिकल पोटेंशियल दोनों का क्या हो गया था इक्वल हो गया था। भाई साहब आप लोग रिलेट कर पा रहे हो इस चीज को, केमिकल पोटेंशियल इक्वल हो गया था लेकिन कोई जरूरी नहीं था कंपोजिशन इक्वल हो, कोई जरूरी नहीं था कंपोजिशन इक्वल हो, समझ पा रहे हो। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द केमिकल पोटेंशियल ड्राइविंग फोर्स इन द मास ट्रांसफर ऑपरेशन। बात आई सारे लोगों को समझ में, ये बताओ इस तरीके से अभी तक किसी ने पढ़ा था क्या, बोलो कहीं पे भी आपने पढ़ा हो बता दो, कॉलेज यूनिवर्सिटी आईआईटी किसी कोचिंग में कहीं पे भी आपने ऐसा पढ़ा है क्या, कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा ये जो मैंने आज आपको बताया है, कहीं पे भी लाइफ में नहीं पढ़ा होगा, गारंटी देता हूं। इस तरीके से आपने कभी मास ट्रांसफर का ड्राइविंग फोर्स केमिकल पोटेंशियल पढ़ा है बताओ, पढ़ा हो तो मेरे को बता दो, कहीं पे भी नहीं, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा क्योंकि मैं खुद हर जगह से पढ़ के आया हूं, खुद नहीं पढ़ाया गया इस तरीके से। एकदम क्लियर हुआ ना, बोलिए। इसको भाई साहब बहुत तगड़े तरीके से बना लेना और रात में 3 से 4 बार इसको रिपीट करना, 3 से 4 बार रिपीट करना इसको। केमिकल पोटेंशियल इक्वल हो गया है, केमिकल पोटेंशियल दोनों का इक्वल हो चुका है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन, तो ये स्लोप ऐसा ये पॉसिबिलिटी है, कोई जरूरी नहीं है मिनिमा जो इक्वल इक्विमोलर मिक्सचर पे मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दिस कैन बी ऐसे भी ग्राफ ये जा सकता है, लो मिनिमा यहां पे मिल गया, अब यहां पे मिनिमा मिल गया, यहां पे आप स्लोप डालोगे म्यू ए बराबर म्यू टू हो जाएंगे, ये कंपोजिशन दूसरा हो जाएगा, समझ में आया ना एकदम। अरे वाह आग लगा दी है भाई साहब, तो इसको तगड़े तरीके से पकड़ के रखना है, ठीक है। तो क्यों होता है केमिकल पोटेंशियल की वजह से जो मास ट्रांसफर स्टॉप होता है, और मास ट्रांसफर मल्टीपल फेज के लिए हम लोग ड्राइविंग फोर्स की बात करते हैं, वो भाई साहब ये रीजन है, राइट। चल वाह चल, तो ये चीज है भाई साहब, अब मैं बात करता हूं थोड़ा आगे इसमें। तो ये रही भाई साहब ड्राइविंग फोर्स मास ट्रांसफर, केमिकल पोटेंशियल, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। कैसे होता है ये, मल्टीपल फेज के लिए क्या ड्राइविंग फोर्स होता है, मेजर ड्राइविंग फोर्स क्या होते हैं, माइनर ड्राइविंग फोर्स क्या होते हैं, कितने कितने टाइप के सिस्टम हो सकते हैं, ये सारा कुछ आप लोगों को पता चल गया। ठीक है चलो अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट। ये बिल्कुल आराम से सारे लोग नोट करिएगा कॉपी में बिल्कुल शानदार तरीके से। चल अब मैं यहां पे बात करूंगा डिफ्यूजन की, तो चैप्टर वन स्टार्ट कर दूं, चैप्टर वन डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन क्या है सारे लोग एक बार मेरे को बताएंगे, डिफ्यूजन क्या है। अब हम लोग बात करेंगे मास ट्रांसफर की हिस्ट्री के बारे में, हम लोगों ने काफी बात कर ली क्या क्या होता है, कब कब होता है, कितनी कितनी कंडीशंस में होता है, क्या ड्राइविंग फोर्स होते हैं, क्या इक्विलिब्रियम्स होते हैं, उनकी सारी बात कर ली। अब हम बात करेंगे डिफ्यूजन की, चैप्टर वन हेडिंग डालो मस्त तरीके से डिफ्यूजन, सारे लोग मस्त तरीके से सारे लोग डिफ्यूजन डाल दो हेडिंग। What is the meaning of diffusion? Diffusion क्या है, बिल्कुल definition लिखेंगे मस्त तरीके से diffusion की। Net momentum of the molecules, definition लिखेंगे, ठीक है। net momentum of molecules
from higher concentration region, higher concentration region, region to lower concentration region, by virtue of their thermal energy, their thermal energy. ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन पहले नोट कर, नेट मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन बाय वर्च्यू ऑफ देयर थर्मल एनर्जी. यस, डिफ्यूजन विदाउट फोर्स और विथ फोर्स भी हो सकता है. कन्वेक्टिव डिफ्यूजन पढ़ा है ना आपने, आदर्श कन्वेक्टिव डिफ्यूजन पढ़ा है ना, कन्वेक्टिव डिफ्यूजन में फोर्स अप्लाई करते हैं. देयर आर कंडक्टिव डिफ्यूजन, कंडक्टिव डिफ्यूजन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते. यस, चलो, यस, गिब्स फ्री एनर्जी की मैं बात कर लेता हूं, करूंगा लास्ट में बता देना, लास्ट में बता देना. अच्छा अच्छा, चलो चलो, तो सारे लोग ये बताओ गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ना चाह रहे हैं क्या, बताओ, बता दूं क्या गिब्स फ्री एनर्जी? सारे लोग बताएंगे, जितने लोग प्रेजेंट हैं सारे लोग बताएंगे तभी मैं बताऊंगा. Exactly. चलो देखो, बात समझ लो, पहले डिफ्यूजन की इतनी बात कर लो, पहले इतनी बात कर लो. यस यस, बता दूंगा, डोंट वरी, सब कुछ बता दूंगा. आप लोग डिमांड करोगे, भाई साहब हमने तो जिम्मेदारी उठाई है ना, आप लोग जो पूछोगे बताएंगे, ठीक है? चल ओके, मैं गिब्स फ्री एनर्जी की यहाँ पे थोड़ी बात कर लेता हूँ, इसको थोड़ा यहाँ पे पॉज करो, ठीक है, स्टॉप करो और इधर आ जाओ साइड से, गिब्स फ्री एनर्जी की वो बात कर लेते हैं. चलो गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर लो. गिब्स फ्री एनर्जी की भाई साहब बात कर लो. देखो बहुत ध्यान से समझिएगा गिब्स फ्री एनर्जी की बात. मैं बोलूं कि देखो आपका सिस्टम है कोई कितना स्पॉन्टेनियस है या वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो कैसे हम लोग चेक करते हैं? उसके लिए हमारे पास तीन पैरामीटर होते हैं. एक होता है गिब्स फ्री एनर्जी, एक होता है एंथैल्पी और एक होता है एंट्रोपी. ठीक है, तीन चीजें हैं हमारे पास कि सिस्टम की स्पॉन्टेनियसिटी बताना और वो है कि नहीं है, ये हम लोग बता सकते हैं इन तीन की हेल्प से. लेकिन 100% सिस्टम स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है वो हम लोगों को बताएगा कौन? गिब्स फ्री एनर्जी. ये दोनों फेल हो जाते हैं, ये दोनों क्या हो गए? फेल हो गए. तब हमारा आया गिब्स फ्री एनर्जी मैदान में. ठीक है, कौन आया? पहले हम लोग बताते थे एंथैल्पी की हेल्प से, एंट्रोपी की हेल्प से, लेकिन ये कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन में फेल हो जाता है. फिर हम लोग बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की. इनकेस किसी सिस्टम की, बहुत ध्यान से पूरी बात समझते चलिए, गिब्स फ्री एनर्जी किसी सिस्टम की लेस देन जीरो है, इसका मतलब सिस्टम आपका 100% स्पॉन्टेनियस है. 100% स्पॉन्टेनियस है. ठीक है, 100%. इनके सिस्टम आपका ग्रेटर देन जीरो है तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं है. अभी बात समझो, अभी स्पॉन्टेनियस, अभी गिब्स फ्री एनर्जी क्या है वो नहीं बताया है, रुकना, थोड़ा वेट करो सारे लोग. ठीक है, एंथैल्पी और एंट्रोपी से मैं बात करूं, एंथैल्पी से और एंट्रोपी से भी हम लोग बता सकते थे कि कोई प्रोसेस का एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी क्या हो, एंट्रोपी बढ़ती है. ठीक है ना, एंट्रोपी बढ़े तो आप लोग ये बोल सकते हो कि सिस्टम कैसा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. सपोज कर लो अब कोई गैस है, ठीक है, गैस मैंने किसी सिस्टम में क्या रख दी, मैंने भर के एकदम से रख दी है. अब मैं उसको क्या कर दूं, मैंने ढक्कन उसका खोल दिया, किसी भी डब्बे में भर के रखी है, किसी भी पिस्टन में भर के रखी, मैंने उसका ढक्कन खोल दिया. अब सिस्टम आपका स्पॉन्टेनियस है ये मुझे चेक करना है, किसकी हेल्प से? एंट्रोपी की हेल्प से. तो खोल दिया तो एंट्रोपी सिस्टम की क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ेगी उसकी कंटिन्यूअली. तो आप लोग सिंपली बोल सकते हो कि भैया एंट्रोपी बढ़ रही है तो सिस्टम कैसा है? स्पॉन्टेनियस, क्योंकि नेचुरली गैस इवोपरेट करेगी, नेचुरली गैस क्या करेगी? डिफ्यूज करेगी. तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. बात समझ रहे हो ना सारे लोग? सिर्फ समझो, ठीक है, स्पॉन्टेनियस
यस, देखो आपने क्या किया, सिस्टम के अंदर गैस भरी हुई थी, आपने क्या कर दिया, उसको ढक्कन खोल दिया, गैस नेचुरली तरीके से एवोपरेट होने लगी और डिफ्यूज होने लगी, इसकी एंट्रोपी बढ़ी। तो आप लोग हमेशा ये बोल देते हो कि भैया सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन ये कहीं कहीं पे फेल हो जाता है। ये फेल कहां पे हो गया, ये फेल हो गया कुछ गैसेस होती हैं, कुछ गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, ऑटोमेटिक कंडेंस करने लगती हैं, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड गैसेस ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऑटोमेटिक कंडेंस होने लगती हैं, नेचुरली स्पॉन्टेनियसली वो कंडेंस होना शुरू हो जाती हैं। अब स्पॉन्टेनियसली वो कंडेंस होना शुरू हुई गैसेस, और गैस जैसे कंडेंस हुई दैट मींस उसकी एंट्रोपी घटी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक अरेंज ऑर्डर में आए, मॉलिक्यूल्स जितने अरेंज ऑर्डर में आएंगे एंट्रोपी उतनी ही उसकी कम होती चली जाएगी, क्योंकि रैंडमनेस उनमें कम हुई और हुआ ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। हुआ क्या प्रोसेस, ये स्पॉन्टेनियस हुआ। तो यहां पे हमारा एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है ये बताने में कि सिस्टम हमारा स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। इतनी बात आई समझ में? पहली एक बात ये बताओ सारे लोग, इतनी बात आई ना सारे लोगों को समझ में कि कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो नेचुरली कंडेंस होना शुरू हो जाती हैं, भाई साहब एंट्रोपी उनकी नेचुरली घटना शुरू हो जाती है, और जबकि हम लोग बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। बात तो दोनों कॉन्ट्रडक्शन हो गई, बात फेल हो गई भाई साहब, बात फेल हो गई। तो एंट्रोपी भाई साहब फेल हो गया। इसी तरीके से कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी ये जो एंथैल्पी है वो फंस जाता है। हमेशा ये जरूरी नहीं होता है कि एनर्जी रिलीज ही हो तभी एक्सोथर्मिक हो। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे डेल्टा एच नेगेटिव नहीं भी होता है और एनर्जी रिलीज भी हो जाती है। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है, तो यहां पर ये दोनों चीजें फेल हो जाती है। फिर अपना आता है मैदान में गिब्स फ्री एनर्जी। ये गिब्स फ्री एनर्जी की आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो, आपने कैलकुलेट की, इनकेस वो नेगेटिव आ गया तो हम लोग 100% गारंटी ले देते हैं कि सिस्टम अपना स्पॉन्टेनियस है। अब बात समझो गिब्स फ्री एनर्जी में आना, अब आ जाओ सारे लोग गिब्स फ्री एनर्जी में। देखो आपके पास दो सिस्टम है, आपके पास एक सिस्टम भाई साहब ये है और एक सिस्टम ये है। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक सिस्टम ये है, मैं बोलूं इस सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी, भाई साहब इस सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी प्लस का 100 है, इस सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी माइनस का 100 है। बात समझना, दोनों सिस्टम है, इसकी गिब्स फ्री एनर्जी प्लस का 100 हो सकता है, इसकी गिब्स फ्री एनर्जी माइनस का 100 होता है। अब बात समझना, अब यहां से आपको फीलिंग आएगी गिब्स फ्री एनर्जी की, अब यहां से आपको आएगी फीलिंग गिब्स फ्री एनर्जी की। ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। अब देखो मैं बोलूं गिब्स फ्री एनर्जी क्या बताता है, गिब्स फ्री एनर्जी ये बताता है जितनी उसकी वैल्यू निगेटिव में होगी, तब तक ये सिस्टम स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगा। जितनी वैल्यू निगेटिव होगी, मान लो ये निगेटिव किलो जूल है, तो माइनस का 100 किलो जूल इस पे काम करवा लो स्पॉन्टेनियसली, ये स्पॉन्टेनियसली इतना काम आपको करके देगा, स्पॉन्टेनियसली ये काम आपको करके देगा, कितना 100 किलो जूल का। इन केस इस सिस्टम से और काम लेना है तो आप पहले इसको एनर्जी प्रोवाइड करो, तो जितनी इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे इसका मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगी उतनी, फिर उतना ही इससे काम ले पाओगे। इन केस मैं बोलू एक सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी 100 है, यह सिस्टम स्पॉन्टेनियसली कतई नहीं काम करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा स्पॉन्टेनियसली। ये सिस्टम इनकेस इतनी किलो जूल है, पहले इस भाई साहब को 100 किलो जूल ऐड करो, इसमें 100 किलो जूल आप ऐड करो, तब ये आएगा अपने इक्विलिब्रियम पे जीरो पे, फिर अब इसको स्पॉन्टेनियसली काम करवाना है तो आप 100 से जितना ज्यादा दोगे, मान लो आपने 101 दिया, तो इसका मतलब 1 किलो जूल का भाई साहब ये काम कर पाएगा स्पॉन्टेनियसली, तो ये सिस्टम क्या बताता है कि सिस्टम हमारा नेचर, ये सिस्टम का नेचर कैसा है, स्पॉन्टेनियसली इन नेचर में है कि नॉन स्पॉन्टेनियसली इन नेचर में, वो हम बता पाएंगे गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू देखकर, और वो भी नेगेटिव में। इन केस उतनी वैल्यू उसकी नेगेटिव में है तभी हम बता पाएंगे ये सिस्टम इतना स्पॉन्टेनियसली काम कर पाएगा, इन केस पॉजिटिव है तो पहले भाई साहब उतनी एनर्जी उसको दो तब वो सिस्टम स्पॉन्टेनियसली काम कर पाएगा। तो दिस इज द ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी।
ठीक है, बात आई समझ में सारे लोगों को, क्यों ये आया पिक्चर मैदान में? अब ये बता पाता है कि भैया सिस्टम आपका 100% स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। सारे लोग बोलो, बात आई ना सारे लोगों को समझ में? तो दिस इज द ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द गिफ्ट सीनरीज। चलो आया ना समझ में, सारे लोग ये बताएं, सारे लोग बताएं, पूछा है तो फिर एकदम से कड़क। म्यू क्या होता है? डीजी बाई डीएन होता है ना, एन को कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में भी तो लिख सकते हैं ना। आपके एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकते हैं। सुरेल, जो एक्स एक्सिस था ना, नंबर ऑफ मोल्स को कंपोजिशन में बदल लोगे ना, उसके मोल्स अपॉन कंपोजिशन, कंपोजिशन लिखो या नंबर ऑफ मोल्स लिखो, डीजी के म्यू क्या होता है? डीजी बाई डीएन आई। ठीक है, तो स्लोप जो गिफ्ट फ्री एनर्जी वाला उसका होगा, उसका जो स्लोप होगा वो म्यू होगा। ठीक है, चल अब मैं बात कर लेता हूं इधर, अपनी जो बात कर रहे थे, इधर बात कर रहे थे कहां पे, पीछे वाले पेज में डिफ्यूजन की बात कर रहे थे ना। चलो मैंने डिफ्यूजन की डेफिनेशन के बारे में आपको बता दिया। यस, थोड़ा सा सिस्टम ठीक है, गड़बड़ है हमारा भी। ठीक है सुरेश, सुरेल आपको ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो अपना म्यू होता है ना वो डीजी बाई डी एन आई होता है, उसको कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में भी बदल सकते हैं एक्स एक्सिस में। चलो अब मैं बात करता हूं डिफ्यूजन की। हम लोगों ने जो डिफ्यूजन स्टार्ट किया उसकी डेफिनेशन हमको समझ में आ गई। ठीक है, डिफ्यूजन की डेफिनेशन समझ में आ गई कि मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन मूव करेंगे। ठीक है, जस्ट जो कि मेरा थंबनेल था उसमें डिफ्यूजन का मार्क फिगर भी बना था कि मॉलिक्यूल्स एक जगह हाइयर हो। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल दे देता हूं, सपोज कर लो ये कोई आपका टैंक है, सपोज कर लो दिस इज योर टैंक, राइट, ये कोई टैंक है आपका, ये आपका कोई टैंक है, और मैं क्या करूं इस टैंक में, मैंने कोई इसमें डाल दिया, चलो मैं वाटर डाल देता हूं। ठीक है, इसमें मैंने वाटर डाल, इसमें वाटर पड़ा हुआ है, ये अपना कोई टैंक है। डिफ्यूजन की बात समझ लेना, डिफ्यूजन का मतलब क्या है, मैं ये टैंक है, इसमें मैंने क्या किया, एक इंक इसमें मैंने ड्रॉप करवा दी। ठीक है, एक इंक मैंने ड्रॉप करवा दी, इसमें मैंने इंक ड्रॉप करवा दी। ठीक है, अब ये इंक का क्या हो गया, अपना भैया इधर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। ठीक है, इंक क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से यहां पे डाला, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, यहां पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा थे, यहां पे कम थे, तो भाई साहब ये मुस्कुराता हुआ इस साइड बैठ गया जाके, इस साइड बैठ गया जाके, इस साइड बैठ गया जाके, तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। दिस मे बी हो सकता है कि ये कैसा हो, नेचुरली हो सकता है मैं इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन भी लगा दूं और ऐसे भी डिफ्यूजन करवा सकता हूं। ठीक है, तो ये हो सकता, इसके मैं अभी नाम बताऊंगा कि कौन कौन से डिफ्यूजन कितने टाइप के होते हैं, उस पर मैं बाद में बात करूंगा, पहले कुछ छोटे छोटे टर्म है उसकी बात कर लेता हूं। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन है। अब ये किस रेट साइज, हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अब क्या है कि ये यहां से यहां तक कितनी फास्ट आ रहा है, मतलब इसका रेट क्या है, इसका रेट क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है। हमारा एज ए इंजीनियर ये काम है भाई साहब, मतलब हमने कोई प्रोसेस करवा दिया तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से हम मटेरियल वगैरह चूज करते हैं, उसके हिसाब से अपनी हम डिजाइनिंग करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग कंट्रोल पैरामीटर करते हैं। ठीक है, ये इस कितने रेट से ट्रांसफर हो रहा है ये हमको कैलकुलेट करना रहता है पूरे मास ट्रांसफर में, पूरे मास ट्रांसफर में। यस, डिफ्यूजन इज द कॉज ऑफ द मास ट्रांसफर। डिफ्यूजन क्या है, बेसिक कारण है मास ट्रांसफर का, समझो डिफ्यूजन क्या है, बेसिक कारण है मास ट्रांसफर का। डिस्टिलेशन में भी डिफ्यूजन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ड्राइंग हो रहा है वो भी डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेगा। डिफ्यूजन इज द बेसिक कॉज ऑफ द मास ट्रांसफर, ये भी नोट कर लेना कहीं पे, डिफ्यूजन इज द बेसिक कॉज ऑफ द मास ट्रांसफर ऑपरेशन। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहे, ट्रांसफर हो रहे होंगे, वो कैसे हो रहे होंगे, डिफ्यूजन हो रहा होगा उसमें, राइट। आपका कहां पे डिस्टिलेशन में भी डिफ्यूजन देखने को मिलता है, कूलिंग टावर में भी आपको डिफ्यूजन देखने को मिलेगा। वो किस तरीके से डिफ्यूजन हो रहा है, गैस लिक्विड में डिफ्यूज हो रही है या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस में डिफ्यूज हो रहे हैं, वो अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, करेक्ट। चलो अब देखो यहां पे कुछ छोटे छोटे टर्म है वो हमको आने चाहिए, जैसे जैसे मास कॉन्सेंट्रेशन, सबसे पहले हमको आना चाहिए कुछ टर्म है, कुछ ये क्या है मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स।
इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ये कुछ हैं, छोटे छोटे टर्म है हमको आना चाहिए। जैसे मैं बात करूं कॉन्सेंट्रेशन, जैसे सब फर्स्ट की मैं बात कर लूं, यहां पे बहुत ध्यान से समझिए, छोटे छोटे टर्म है आप लोगों को आना चाहिए। मैं फर्स्ट टर्म की बात करूंगा, जैसे कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन आप कॉन्सेंट्रेशन की जो वैरायटी है वो आपको पता होना चाहिए। ये मास कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है, मास कॉन्सेंट्रेशन ठीक है, एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखते चले जाइएगा ठीक है, बहुत ध्यान से, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और दिस इज द मास कॉन्सेंट्रेशन, मास कॉन्सेंट्रेशन ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड मास कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ध्यान से नोट्स में लिखते चलिए। अब मास कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इन दोनों की मैं यहां पे बात कर लेता हूं। देखो जो मास कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है, इसके यहां पे मैं बात करता हूं। मास कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग लिखते हैं, मास कॉन्सेंट्रेशन को डेंसिटी से लिखते हैं, इसको हम लोग मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग मोलर डेंसिटी भी बोल सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है, और इसको हम लोग आप लोग ब्रैकेट में लिखिए, मास कॉन्सेंट्रेशन को आप लोग एक नाम और देंगे, क्या देंगे, मास को देंगे मास डेंसिटी भी देंगे, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन को नाम देंगे मोलर डेंसिटी, मोलर डेंसिटी। ये पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए ठीक है, शुरुआत में मास कॉन्सेंट्रेशन को मास डेंसिटी भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिखते कितने, मास डेंसिटी को रो से लिखते हैं, ये क्या होता है, रो ऑफ आई इक्वल टू मास ऑफ स्पीशीज आई पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है, ये हमारी होती है मास कॉन्सेंट्रेशन। मास कॉन्सेंट्रेशन को कैसे लिखते हैं, रो आई इक्वल टू एम आई अपॉन वॉल्यूम, एम आई क्या है, मास ऑफ द स्पीशीज आई, इट इज द मास ऑफ, इसकी मैं यूनिट लिखूं तो केजी, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब मास कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज मास कॉन्सेंट्रेशन। और एम आई क्या है, इट इज द मास ऑफ द स्पीशीज आई, एम आई वेयर, एम आई क्या है, मास ऑफ द, मास ऑफ द स्पीशीज आई, स्पीशीज आई ठीक है, मास ऑफ द स्पीशीज आई, वी क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम भी लिख सकते हो, वॉल्यूम एक्यूपाइड ऑफ द स्पीशीज, वॉल्यूम एक्यूपाइड, एक्यूपाइड वाई द स्पीशीज आई, स्पीशीज आई ठीक है, आई के थ्रू कितना वॉल्यूम एक्यूपाइड किया गया, दैट इज द वॉल्यूम बी, दिस इज द मास कॉन्सेंट्रेशन या मास डेंसिटी। कहीं पे भी दो वर्ड लिखे हो तो वी केयरफुल अबाउट दैट, रो आई इज इक्वल टू एम आई अपॉन बी। मोलर कॉन्सेंट्रेशन या मोलर डेंसिटी की मैं बात करूंगा, जो कि ज्यादातर यूज होगी यहां पर अपने गेट में, 99% इसको यूज करेंगे ठीक है, गेट के सिलेबस में 99% इसको यूज करेंगे ठीक है, ये 1% ओनली, जो आप टेस्ट सीरीज वगैरह देंगे, अभी टेस्ट सीरीज वगैरह देंगे तो हो सकता है वहां पे क्वेश्चन ऐसे बन जाए, लेकिन आपके गेट में यही आएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसके बारे में थोड़ा आप लोग फोकस करिएगा, यहां पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो सेकंड में बात करूंगा यहां पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सेकंड में बात करूंगा मोलर, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और क्या हम लोग बात कर सकते हैं, मोलर डेंसिटी भी कहीं पे भी लिखा हो तब भी सेम दोनों चीज है, दोनों भाई भाई हैं ठीक है, मोलर डेंसिटी, मोलर डेंसिटी, मोलर डेंसिटी ठीक है। चलो मैं मोलर डेंसिटी की बात करूं या मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे सीआई से। तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स एन ऑफ आई अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसकी जो यूनिट लिखेंगे, इसकी जो यूनिट लिखेंगे मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम मींस मीटर क्यूब में लिख दो ठीक है। एनआई क्या है, एनआई क्या है, मोल्स ऑफ स्पीशीज आई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द स्पीशीज आई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीशीज आई, ऑफ स्पीशीज आई, इतनी बात आई सारे लोगों को समझ में, नमस्ते भैया ठीक है, इतनी बात आई ना सारे लोगों को समझ में इतनी बात आ गई होगी समझ में, सारे लोग बताओ यहां तक मोलर डेंसिटी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इस पर भी न्यूमेरिकल दूंगा मैं ठीक है, न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने आएगा अभी जस्ट, तो सारी चीजें बहुत ध्यान से समझ लो। अब देखो, अब मैं बात करूं
यहां पे मैं टोटल कॉन्सेंट्रेशन और टोटल मैं टोटल कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं, यहां पे मैं लिखूं एक और टर्म आएगा थर्ड वन ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, ये समझ में आ गई ना, तो फिर समझ लो आपका आधा काम हो जाएगा न्यूमेरिकल वाले में। मैं टोटल कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ठीक है ना, फ्लक्स वगैरह समझने में बहुत आसानी रहेगी आप लोगों को, ये समझ में आ गया ना, तो फिर फ्लक्स वगैरह बहुत जल्दी समझ लोगे। तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन की बात करूंगा, सी टोटल, इसको मैं लिखूंगा समेशन ऑफ सी आई, जितने भी मॉलिक्यूल्स सिस्टम में प्रेजेंट होंगे उनका सारे का समेशन क्या लिखेंगे, टोटल कॉन्सेंट्रेशन। इसको और देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इनकेस आपका गैस है, कोई गैस मीडियम है और गैस को एज्यूम करेंगे कि वो हमको परमिट करे, हम लोग एज्यूम करेंगे कि गैस हमको परमिट करे या हमको अलाउ करे आइडियल गैस इक्वेशन लगाने में, ठीक है, जो आपका गेट का क्वेश्चन होगा उसमें लिखा होगा आइडियल गैस, कहीं ना कहीं लिखा होगा जरूर, ठीक है, आइडियल गैस लगाने में। तो सी हम लोग कैसे लिखेंगे ये चीज देखना, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, बहुत ध्यान से समझते चले जाना, PB = nRT, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू पी बाई आर टी, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ना, बोलिए सारे लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कभी भी आप लोग यूज करेंगे पूरे मास ट्रांसफर में, कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिखेगा तो मुस्कुराते हुए यूज करेंगे सी इज इक्वल टू PBR T। अब देखना इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अब मैं इसको यूज करूंगा, इसको देखो कैसे यूज करूंगा, देखना मैं बोलूं इन केस मैं एक स्पीसी, सपोज कर लो आपका कोई मिक्सचर है उसमें मैं एक कंपोनेंट की सीए के बारे में बात करूंगा, तो सीए कैसे लिखूंगा, सीए इक्वल टू ऑलवेज यूज करूंगा PA/RT। इन केस हमको टोटल कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो सिस्टम का मैं टोटल प्रेशर यूज करूंगा, सी टोटल इक्वल टू PT/RT, सी टोटल इक्वल टू PT/RT, ठीक है, सीए इक्वल टू PA/RT, सी टोटल इक्वल टू PA/RT, ठीक है। एंड और कैसे यूज कर सकता हूं, मुझे सीए निकालना है और मेरे पास सी टोटल पता है, इनकेस हमको सी टोटल पता है तो सी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इस तरीके से मैं निकालूंगा। तो ये तीन टर्म आप लोगों को आना चाहिए कि भैया सी कैसे निकालते हैं, बहुत ज्यादा अपने मास ट्रांसफर में यूज होंगे, ठीक है। तो सीए को कैसे लिखते हैं, हमको अलाउड करेगा, ये अलाउड करना चाहिए, ठीक है, आइडियल गैस हमको अलाउड कर रही है कि हम भैया लगाएं उसकी इक्वेशन, तो PB = nRT, सी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स n/V, यहां से निकाला PY/RT। अब इसका जैसा हमको जरूरत पड़ेगी वैसा हम कन्वर्ट कर लेंगे, हमको ए कंपोनेंट की चाहिए तो भैया ए का पार्शियल, पीए क्या है, पीए इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए, मतलब हमको सीए चाहिए, मतलब एक कंपोनेंट का सिर्फ हमको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मिक्सर में, हमारे पास कोई मिक्सर है उसमें हमें एक ही कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो हम ए का पार्शियल प्रेशर यूज कर लेंगे, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए, दिस इज द, हमको सी टोटल चाहिए तो हम प्रेशर कैसा यूज करेंगे, टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, ये दोनों में डिफरेंस है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, पी टोटल लिख देंगे तो सी टोटल मिल जाएगा, सीए चाहिए हमको तो पीए चाहिए, राइट। इन केस हम किसमें, सी टोटल में मल्टीप्लाई कर देंगे मोल फ्रैक्शन किसका, जितने भी मोल फ्रैक्शन ए के होंगे तो तब भी हमको सीए मिल जाएगा, इतनी बात आई सारे लोगों को समझ में, यस वो लिक्विड में कर लेंगे, ये गैस के लिए मैं बात कर रहा हूं जैस, यस लिक्विड में भी, जैसे इन केस आपका लिक्विड मीडियम है, ठीक है, लिक्विड मीडियम है तो सीए कैसे निकालेंगे, सी टोटल आपको पता है तो आप इसमें जस्ट एक्स ए का मल्टीप्लाई कर दो, एक्स ए का आप लोग मल्टीप्लाई कर दो तो ये लिक्विड मीडियम में सीए निकल के आ जाएगा, छोटे छोटे टर्म में बहुत ज्यादा यूज होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से अपन इसको, सारे लोग नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते चल रहे हैं ना, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के चल रहे हैं, ठीक है, चलो। तो ये बात हो गई, इतनी बात हो गई, अच्छा मोल फ्रैक्शन तो आप लोग निकाल ही लेते होंगे, किसी के मोल फ्रैक्शन कैसे, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट वन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इस तरीके से आप लोग निकाल लेते हो इजीली तरीके से, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या है यार सिखाना है वो तो आता ही होगा आप लोगों को, ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन दिया जाए, क्या सारे कॉन्सेप्ट एकदम से तगड़े तरीके से क्लियर हो जाएंगे जो छोटे छोटे टर्म है, क्वेश्चन दिया जाए क्या, सारे लोग रेडी हैं, एक क्वेश्चन धमाकेदार हो, बोलिए सारे लोग, चलो भाई साहब एक क्वेश्चन दिया जाए, ये छोटे छोटे टर्म हम लोगों ने सीखे हैं इनका यूज कर लेते हैं, चलो
जो छोटे छोटे हम लोगों ने टर्म सीखे हैं ना, उनका तो यूज करना ही है भाई साहब। ओके, ये रीडिफ्यूजन वीडियो। हाँ, देख लेते हैं, कोई ऐसी चीज तो नहीं। टोटल कॉन्सेंट्रेशन मास डेंसिटी, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम नंबर वन यहां से स्टार्ट हो गई है। आप लोग एक काम करना, कम से कम प्रॉब्लम 1000 में करवाऊंगा, 1000 प्रॉब्लम, ठीक है? तो आप लोग कोशिश करना कि यार कहीं पे एक ऐसा रजिस्टर बना लो जहां पे प्रॉब्लम एक साथ नोट करते चले जाओ, ठीक है? कम से कम इतनी प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो आप लोग समझ सकते हो, तो मैं इसकी प्रॉब्लम करवा रहा हूं तो किस लेवल, क्या माइंड सेटअप होगा, ठीक है? क्या माइंड सेटअप अपना होने वाला है, तो यह चीज आप लोग जस्ट थोड़ा समझ लो। बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम मास ट्रांसफर की, फर्स्ट प्रॉब्लम मास ट्रांसफर की, बिल्कुल फर्स्ट प्रॉब्लम है। आराम से पढ़ो, ना दिख रहा हो तो मेरे को एक बार बता दो कि सर थोड़ी इसकी विजिबिलिटी बढ़ा दो, तो भाई साहब जितनी मेरे हाथ में होगा उतना मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूं, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, गुस्सा हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो, यस, चलो आराम से बनाओ क्वेश्चन। सारे लोगों को बिजली लेना, सारे लोग एक बार मेरे को यह बताएंगे, बिजली लेना सारे लोगों को। अब देखो दिख रहा है क्या, अब दिख रहा है क्या, जैसे एक बार बताओ मेरे को, दिख रहा है क्या? देखो, अब होप्स आप लोगों को दिख रहा होगा। ये छोटे छोटे टर्म है ना, इनके हमारी स्ट्रांग हो गए तो फिर मास ट्रांसफर में बहुत अच्छी पकड़ आ जाएगी हमारी। देखो, अब तो जूम किया है मैंने, होप्स आप लोगों को दिख रहा होगा, अब आप लोगों को दिख रहा होगा। दिख रहा है ना सारे लोगों को, क्लियर? चलो आराम से बनाओ, इत्मीनान से पढ़ो क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से बनाना है, ठीक है? क्वेश्चन में जो बोला गया है, ए मिक्सचर ऑफ द नोबल गैस, ये दिए गए हैं, ठीक है? चलो, वेरी गुड। एक सारे लोग एक काम करो, सारे लोग मॉलिक्यूलर वेट गूगल कर लो, हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टान एंड जीनॉन, हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टान एंड जीनॉन, सारे लोग गूगल कर लो। तब तक एक काम करो, इनके मॉलिक्यूलर वेट की नीड पड़ेगी, गूगल कर सकते हो, गूगल से हेल्प ले सकते हो इनके मॉलिक्यूलर वेट में, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। हीलियम का कितना होता है? 2। आर्गन का 40। देखो यही होते हैं सब। आराम से बनाओ, रजिस्टर प्योर होना चाहिए, मास ट्रांसफर का अलग से, आपका बिल्कुल रजिस्टर अलग होना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन आराम से पढ़ो। चलो मैं सॉल्व करता हूं, होप सो आप लोगों ने ट्राई किया होगा। मैं सॉल्व करता हूं सॉल्यूशन ए पार्ट का, सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं यहां पे, ए पार्ट का, ठीक है? ए पार्ट का हम लोग करने वाले हैं। ए पार्ट में पूछा गया है, क्या कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इन टर्म ऑफ द मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन के टर्म में हमको कंपोजिशंस बताने हैं, ठीक है? तो हम कैसे बात करेंगे, सबसे पहले हमें मास फ्रैक्शन किसका निकालना है, हीलियम का। तो मास फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, देखो मास फ्रैक्शन की मैं बात करूंगा, तो मास फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, मतलब मैं बात करूंगा हीलियम की, तो हीलियम का सबसे पहले हमें मास पता होना चाहिए और टोटल मास पता होना चाहिए, तभी तो मास फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो हीलियम के मैं मास फ्रैक्शन की बात करूंगा, चलो मैं वाई लिख देता हूं, वाई ऑफ हीलियम, इसके मैं मास फ्रैक्शन की बात करूं तो मास ऑफ किसका, हीलियम का, अपॉन डिवाइड बाय टोटल मास। इसी तरीके से तो मैं मास फ्रैक्शन ऑफ हीलियम की बात करूंगा, तो सबसे पहले हमें हीलियम का मास पता होना चाहिए। हमारे पास है क्या क्या, देखो क्वांटिटी नोन, टोटल प्रेशर हमारे पास है, टोटल प्रेशर है हमारे पास, टोटल टेम्परेचर हमारे पास है, इफ मिक्सचर हैज इक्वल किलो मोल फ्रैक्शन ऑफ द ईच गैसेस। क्वेश्चन में बोला गया है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं सब कैसे हैं, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। इसका मतलब आप लोग एज्यूम कर लो
कि 100 किलोमोल प्रेजेंट है, 100 किलोमोल प्रेजेंट है, इसको आप लोग एज्यूम कर लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 1 भी यूज कर लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज्यूम कर लो 100 किलोमोल पिक्चर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं आप लोगों को मास चाहिए हीलियम का, तो इसका मतलब किलोमोल में जस्ट आप मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई डालोगे, मास निकलेगा क्या? मास ऑफ हीलियम कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स किसके? हीलियम के। मोल्स किसके? हीलियम के। मॉलिक्यूलर वेट किसका? हीलियम का। तभी मास ऑफ हीलियम का निकल के आएगा। बोलो तो हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है? अच्छा एक चीज और ये बताओ, हमने टोटल 100 मोल ले लिए, समझना बहुत ध्यान से बात समझना, हमने टोटल 100 मोल ले लिए और हमारे कंपोनेंट कितने प्रेजेंट हैं? 4, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। तो इसका मतलब हीलियम के हिस्से में कितने नंबर ऑफ मोल्स आए? तब आप इक्वली डिवाइड करेंगे, सारे लोग बताओ, हीलियम के हिस्से में 25 मोल आए, 25 मोल्स आए, क्योंकि भाई साहब 100 मोल टोटल है, इसको आप इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। तो हीलियम के हिस्से में कितने आए? 25। तो 25 मोल्स किसके हैं? हीलियम के, ठीक है, 25 मोल्स हीलियम के हैं। इसके आप मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर लो तो हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 4। यस, हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो मास जो आ गया कितना आ गया? 100। ये आ गया भाई साहब 100 मास ऑफ द हीलियम, 100 जो भी यूनिट किसमें लिखोगे? ओके, ये किसमें? किलोग्राम। तो यूनिट आप लिख लो इसकी किलोग्राम में, यूनिट इतने किलोग्राम हो गया 100 किलोग्राम। तो हम लोगों को इतनी बात आ गई समझ में कि भाई साहब मास जो हीलियम का होने वाला है वो 100 किलोग्राम होगा। तो अब सिमिलर वे से सारे कंपोनेंट के मास आप लोग निकाल लोगे क्या? आराम से निकालो सारे के। यस, एटॉमिक नंबर 2 और उसका एटॉमिक वेट चाहिए ना, तो जस्ट डबल के अराउंड होता है ना, जस्ट डबल के अराउंड होता ही होगा। तो एटॉमिक नंबर 2 एटॉमिक वेट चाहिए अपन को, तो एटॉमिक वेट जस्ट एटॉमिक नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो उसी के अराउंड वैल्यू रहती है। यस, ठीक है। तो अब सारे कंपोनेंट के सारे लोग मेरे को मास निकाल के बताएंगे, सारे लोग मास निकाल के बताओ, मास ऑफ आर्गन निकालो, मास ऑफ क्रिप्टॉन निकालो, मास ऑफ जीनॉन निकालो, सारे लोग निकालेंगे। मास ऑफ ऑर्गन कितना आने वाला है? देखो मैं बात करूं मास ऑफ ऑर्गन, तो ऑर्गन का मास कैसे निकालेंगे? देखो मैं यहां पे बात कर रहा हूं क्या, मास ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑर्गन के कितने हैं? 25। नंबर ऑफ मोल्स ऑर्गन के कितने हैं? 25। और मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गन का कितना है? 40। मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गन का कितना है? 40। 40 चलो भाई साहब ये आ गया, ये कितना आ गया? इसका मास कितना आ गया? 1000 किलोग्राम। फोर्टी होगा किसी ने लिखा है वो ऑर्गन 20 होता है ना, 20 का मॉलिक्यूलर वेट 40 हुआ ना। यस, 1000, राइट। चलो सिमिलर सारे लोग मेरे को बताएंगे मास ऑफ द क्रिप्टॉन इसका कितना होगा? सारे लोग पहले मॉलिक्यूलर वेट बताएंगे क्रिप्टॉन का होता कितना है। 84 क्रिप्टॉन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 84। 25 मल्टीप्लाई बाई क्रिप्टॉन का मॉलिक्यूलर वेट 83 या 84 शायद होता है। देखो एक बार, 84 होता है ना, 84 सारे लोग बताएंगे 84 होता है शायद, ठीक है। चलो 84, यस, तो 84 इसमें मल्टीप्लाई करके बताओ मास ऑफ द क्रिप्टॉन कितना आ गया? मास ऑफ द क्रिप्टॉन कितना आ गया?
नहीं नहीं गिवन रहेगा, गिवन रहेगा क्रिप्टॉन, इसका मल्टीप्लाई करके जल्दी कैलकुलेटर चलाओ, आपको कैलकुलेटर चलाओ, इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से सारे लोग। 2100 किलोग्राम, 2100 किलोग्राम, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई साहब गिवन रहेगा, यहां पे नहीं गिवन है, आपका जब क्वेश्चन आएगा ना तो उसके ब्रैकेट में गिवन रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो ठीक है, ठीक है। अब मैं बात करूं मास ऑफ द जीनोम, मास ऑफ द जीनोम एक्सी, इसका कैसे निकालेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द जीनोम। सारे लोग बताएंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जीनोम कितना होता है, सारे लोग बताएंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द जीनोम कितना होगा भाई साहब। 131.5 भी होता है क्या, एक बार देखेंगे सारे लोग, 131.5 होता है क्या या 131 होता है, चलो 131.29, चलो 131 ले लो, 131 ले लो, डोंट वरी 131 ले लो, 131 ले लो। सारे लोग बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, वैल्यू बताओ जल्दी से फटाक से, मास कितना आया इसका, मास कितना आया, मास ऑफ द जीनोम भाई साहब। हाँ हाँ ठीक है 131 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 131 ले लो। बता दो मेरे को 25 मल्टीप्लाई बाई 131, 3275 किलोग्राम। भाई साहब सबके आप लोगों ने मास निकाल के रख लिए, सबके आपने मास निकाल के साइड से रख लिए, अब क्या मास फ्रैक्शन नहीं निकाल पाओगे क्या, आराम से निकाल डालो, आराम से निकाल डालो। क्या पूछा है फर्स्ट पार्ट में, द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इन टर्म ऑफ द मास फ्रैक्शन, तो मास फ्रैक्शन ऑफ द, सबके मास फ्रैक्शन निकाल दो, एक एक टर्म के निकाल दो, देखो एक लाइन में आने चाहिए आंसर्स, मास फ्रैक्शन ऑफ, मास फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, हीलियम का मास फ्रैक्शन वाई ऑफ हीलियम, मास ऑफ द हीलियम, मास ऑफ द हीलियम डिवाइड बाई टोटल मास, वाई ऑफ हीलियम, मास ऑफ द हीलियम कितना आया, मास ऑफ द हीलियम कितना आया था, 100 डिवाइड बाई टोटल, टोटल मास कितना आया, 100 प्लस 1000 प्लस 2100 प्लस, टोटल मास कितना आया, टोटल मास 2100, लास्ट वन 3275, 3275 भाई साहब, 3275। चलो तो सारे लोग बता दो मास फ्रैक्शन ऑफ द हीलियम, मास फ्रैक्शन ऑफ द हीलियम जल्दी से। वेरी गुड, मास फ्रैक्शन ऑफ द हीलियम कितना आया, 1.54, 1.54 ठीक है, 1.54%। चलो सिमिलर वे से सारे लोग बता दो मास फ्रैक्शन ऑफ, मास फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गन, सारे लोग बता दो जल्दी से मास फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गन, सारे लोग बता दो मास फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गन कितना होगा, टोटल मास 6475, चलो मैं लिख लेता हूं, टोटल जो मास है 6475। भाई साहब एक क्वेश्चन लगाओगे सारे आपकी सब टर्म छोटे छोटे सब क्लियर हो जाएंगे यहां पे। कितना 32.34% परसेंटेज में निकाल लो कोई दिक्कत नहीं। चलो 32.34 आ रहा है ना सारे लोगों का, 15.43 आ रहा है क्या, 15.4, चलो भाई साहब आप ही लोग बोल रहे हो ठीक है, 15.43 इसको लिख लो, 15 कितना आ रहा है, 15.44, चलो भाई साहब 15.44% लिख लिया 15.44 लिख लिया। एक आप लोग आगे लिख भी दिया करो, KRAR करके लिख दिया करो, सो दैट मुझे थोड़ा इजी हो जाए। जीनोम का जैसा इन्होंने लिखा है 50.68, जीनोम का जो मास फ्रैक्शन लिखा है, जीनोम का जो मास फ्रैक्शन लिखा है एक्सी का लिखा है किसी ने, कितना लिखा है 50.68, एक्सी करके आप लोग लिख दिया करो, एक्सी करके थोड़ा आप लोग उसके आगे लिख देंगे ना, सो देट हमको क्लियर, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं तो वो समझ में फिर नहीं आता है, आप लोग थोड़ा लिख देंगे जीनोम दिस वन ऑर्गन दिस वन, इस तरीके से थोड़ा लिखेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए। यस इन्होंने लिखा है, जीनोम लिखा है 50.57%
राइट। और क्या बचा है, क्या बचा है, ऑर्गन जीरोन क्रिप्टॉन बचा है ना, वाई ऑफ के आर क्रिप्टॉन बचा है, क्रिप्टॉन का भी लिखा है 32.43, अभिषेक ने लिखा है 32.43%। ठीक है, तो एग्जाम में जब भी फ्रैक्शन में पूछा जाएगा तो आप फ्रैक्शन में फिल करके आ जाइए, और इनके परसेंटेज में पूछा जाएगा तो 100 का इजीली तरीके से मल्टीप्लाई डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ए पार्ट खत्म हुआ भाई साहब, ए पार्ट खत्म हुआ। ए पार्ट में किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या ए पार्ट में भाई साहब, ए पार्ट को लेकर किसी को कोई प्रॉब्लम, ए पार्ट सारे लोगों का क्लियर हुआ ना एकदम से, बोलिए ए पार्ट सारे लोगों को क्लियर है ना, हां गुरु, ए पार्ट क्लियर, अरे बाप रे, देखो क्या किया गया है, क्या किया गया है सिस्टम में, आप लोग जिसको नई बात आ रही है एक बार फिर से देख लेना या मेरे को अलग से कर लेना, कुछ भी नहीं किया गया। देखो यस, हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ मास निकाल लिया है भाई साहब, मोल एज्यूम कर लिए, मास निकाल लिया मॉलिक्यूलर वेट से और टोटल मास से डिवाइड कर दिया, यही किया है। क्लियर है यार भाई, क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। चलो देन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट कि भैया हमको टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन बता दो, टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज द टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज द टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन, बताओ सारे लोग टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे। सेकेंड पार्ट यहां पे मैं बात करता हूं, पार्ट बी, पार्ट बी, पार्ट बी, पार्ट बी, पार्ट बी, देखो पार्ट बी की मैं बात करूं, क्या बोला है, टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन, टोटल मोलर, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे। देखो टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन तो आप लोगों को पता ही है, कैसे निकालेंगे टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन की मैं बात कर चुका हूं, पीटी अपॉन आरटी ऐसे लिखेंगे ना, हम लोगों को टोटल प्रेशर गिवन है क्वेश्चन में, टोटल प्रेशर गिवन है, देखो टोटल प्रेशर गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में टोटल प्रेशर कितना है 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल गिवन है क्वेश्चन में, टोटल प्रेशर गिवन है और टेम्परेचर भी गिवन है 200 केल्विन, तो यहां पे रख दो, रख दो, टोटल प्रेशर कितना है 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल डिवाइड बाई आर, इसमें किसमें निकल के आ जाएगा, किलो मोल में निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, किलो पास्कल में इसको रखो, किलो पास्कल डिवाइड बाई आर की, आर की हमेशा वैल्यू याद रखना, हमेशा याद रखना, आर की जो वैल्यू होती है 8.314, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आर की जो वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये यूनिट होती है भाई साहब आर की, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। चलो 8.314 मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर 200 केल्विन, टेम्परेचर गिवन था 200 केल्विन, भाई साहब आराम से इसको सॉल्व कर लो, आराम से सॉल्व कर लो, जल्दी से मेरे को वैल्यू बता देंगे 0.06, नहीं 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 किलो पास्कल में, किलो में बताना, मतलब अभी आप लोग इसकी जो यूनिट बताना किलो मोल पर मीटर क्यूब में, किलो मोल पर मीटर क्यूब में यूनिट भी लिखो, किलो मोल पर, किलो मोल में आ रही है ना आपकी, यस ठीक है, ठीक है, 0.0060 मोल पर मीटर क्यूब, किलो मोल में लिखना है आपको, किलो मोल में लिखना है, किलो मोल, किलो मोल पर मीटर क्यूब, इसमें लिखो आप, किलो मोल पर मीटर क्यूब, इन केस किसी ने मीटर क्यूब में, मोल में लिखा होगा तो उसका आ रहा होगा, उसका आ रहा होगा 60 point something, यस 60.14 आ रहा, वो भी सही है, वो भी सही है, मोल पर मीटर क्यूब वो भी सही है भाई साहब, वो भी सही है, वो भी सही है, एकदम सही है, एकदम सही है, कोई समस्या है ही नहीं इसमें, कोई समस्या है ही नहीं भाई साहब, कोई समस्या है ही नहीं, बी पार्ट आपका डन है, बी पार्ट भाई साहब डन है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बी पार्ट डन है, डन है, डन है, डन है। चलो तीसरे पार्ट की मैं बात करता हूं, तीसरे पार्ट की बात करता हूं, तीसरे पार्ट में क्या पूछा गया है, द मास डेंसिटी, द मास डेंसिटी कैसे निकालेंगे, कोई मेरे को बताएगा क्या। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज
मास डेंसिटी, व्हाट इज द मास डेंसिटी, व्हाट इज द मास डेंसिटी, सारे लोग बताएंगे व्हाट इज द मास डेंसिटी, मास डेंसिटी बताओ सारे लोग। मास डेंसिटी क्या होगी? मास पर यूनिट वॉल्यूम, खत्म बात। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? मास अपने पास आ गया ना टोटल, थर्ड पार्ट, पार्ट थ्री, पार्ट थ्री भाई साहब, पार्ट थ्री, पार्ट थर्ड, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी। ये छोटे छोटे टर्म हम लोगों को बीटेक में बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। आपको सही बताऊं, मुझे खुद स्पेशली तो बीटेक में था तो ये छोटे छोटे टर्म बड़े परेशान करते थे, दुख दिया करते थे। मास डेंसिटी, मोलर डेंसिटी, एक पता था डेंसिटी भाई साहब, अब और बात मत करो, कॉन्सेंट्रेशन ठीक पता था, लेकिन मास डेंसिटी, मोलर डेंसिटी, बल्क एवरेज वेलोसिटी, ये सब ऐसे टर्म होते हैं ना, मोलर एवरेज वेलोसिटी, ये थोड़ा हमको मतलब तड़पण महसूस करते हैं, क्या है ये चीज। तो इस पर हम लोग तब काम कर लेंगे ना ढंग से, तो जब भी ये चीज पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा फील करेंगे आप लोग, बहुत अच्छा फील करेंगे, ठीक है। तो मास डेंसिटी क्या हो गई, मोलर डेंसिटी क्या हो गई, ये सब चीजें थोड़ा टर्मिनोलॉजी हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए इनकी, राइट। चलो तो मैं बात करता हूं मास डेंसिटी की। तो मास डेंसिटी भाई साहब रो से लिखते थे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। चलो टोटल मास आप लोगों ने निकाल लिया, टोटल मास कितना था, एम टोटल, टोटल डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल मास आप लोगों ने निकाला था क्या, सारे लोग बताएंगे, सारे लोग बताएंगे टोटल मास कितना था। यस यस, बल्क मोलर एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, टोटल, यस टोटल कंसेंट्रेशन, टोटल वॉल्यूम भी निकाल लेंगे, सारे लोग बता देंगे टोटल मास कितना आया था, अभी आपने कैलकुलेट किया था, सारे लोगों की कॉपी में नोट होगा ना, 64/70 डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे सारे लोग बताओ, वॉल्यूम निकालेंगे भाई साहब, पीबी इज इक्वल टू एन आर टी, पीबी इज इक्वल टू, पीबी इज इक्वल टू एन आर टी, यहां से निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा एक अल्टीमेट इस वाले पार्ट में ये फंसता, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालेंगे हमेशा PV इक्वल टू NRT, अलाउड कर रही है जो गैसियस मिक्सचर है कि हमको आइडियल गैस लगाओ, ये अलाउड है, ठीक है, अलाउड है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना, अलाउड है भाई साहब कि आप आइडियल गैस लगा सकते हैं। तो यहां से वॉल्यूम निकालेंगे NRT डिवाइड बाई पी, बताओ सारे लोग कितनी वॉल्यूम कितना आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स गिव आपने एज्यूम कर लिए थे शुरुआत में, कितने 100 किलोमोल आपने एज्यूम कर लिए थे, ठीक है। आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 200 केल्विन डिवाइड बाई टोटल प्रेशर 100 किलो पास्कल। तो देखो यहां पे किलो नंबर ऑफ मोल्स में थे किलो, और प्रेशर भी किलो, तो किलो किलो कैंसिल आउट, किलो किलो की बात खत्म, ठीक है। यहां पे भी 100 किलो थे, यहां पे भी 100 किलो थे, तो जस्ट भाई साहब ये तो कट गए, ये तो गए, सिर्फ और सिर्फ बात बची इसकी, सिर्फ और सिर्फ बात बची इसकी। चल इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सारे लोग बताएं, सारे लोग बताएंगे 8.314 मल्टीप्लाई बाय 200, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 8.314 मल्टीप्लाई बाय 200, दिस इज द आवर फाइनल वॉल्यूम, इसकी भी इतनी आ रही है क्या 64/75 और वो ऊपर क्या था 64/70 था, हाँ 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 निकाल सकते हो 1662.8 16.62.8, ठीक है। ये आ गया अपना वॉल्यूम, मीटर क्यूब में आएगा भाई साहब, मीटर क्यूब में आएगा ये, क्यों, क्योंकि जितने भी यूनिट है सारी आपने SI यूनिट की यूज की है, तो SI यूनिट क्या होती है वॉल्यूम की, मीटर क्यूब, एग्जैक्टली गजब भाई साहब, यहां पे रख दो तो आपका आएगा डेंसिटी 6470 मीन 6477 डिवाइड बाई 1662.8, ये जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी द मास कॉन्सेंट्रेशन और मोलर मास डेंसिटी।
हाँ हाँ वॉइस थोड़ा फ्लैक्चुएट कर रहा है क्या, बताओ हाथ में पकड़ ले, बस हार्डली क्वेश्चन अपना हो गया ना अल्टीमेट खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर बताओ आंसर कितना आ रहा है, डायरेक्ट मास डेंसिटी कितनी आई एट द लास्ट। अभी मैं इसका आपको दूसरा मेथड भी बता दूंगा इसका, बहुत ही मुस्कुराते हुए करोगे जाके आराम से। बोलो 3.89 एब्सोल्युटली करेक्ट, 3.89 यूनिट, यूनिट कितनी आएगी केजी पर, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, यूनिट जरूर लिखना, केजी पर मीटर क्यूब में आएगी यूनिट, केजी पर मीटर क्यूब में, गजब। चलो ठीक है, तो ये जो यूनिट आई है केजी पर मीटर क्यूब में, एक और इसका मेथड देख लो काफी शानदार है, थोड़ा आप लोग ये भी कॉपी में नोट कर लेना, कभी भी आपको मास डेंसिटी निकालना हो ना तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, एक तो ये तो बिल्कुल बेसिक अप्रोच थी, डायरेक्ट कैसे खेल सकते हैं उसकी थोड़ी मैं बात कर ले रहा हूं। देखो डेंसिटी की यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब, तो कॉन्सेंट्रेशन में देखो इसको हम लोग बनाना क्या है, केजी पर मीटर क्यूब बनाना है, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, सी ए, सी टोटल आप कर दो, सी टोटल, सी टोटल की यूनिट क्या होगी, अपनी कॉन्सेंट्रेशन किस में होगी, मोल पर, मोल पर मीटर क्यूब। इसका मतलब आप इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई एवरेज मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा आपका, ठीक है सबका मॉलिक्यूलर वेट ले लो, तो वो कितना होगा, एवरेज ना लेके आप लोग सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट ले लो, मॉलिक्यूलर वेट ले लो, ठीक है तो ये कितना होगा, ये जो होगा मॉलिक्यूलर वेट का क्या होता है, यूनिट क्या होता है, केजी पर, केजी पर मोल, केजी पर मोल, मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट ये होता है केजी पर मोल, ठीक है तो मोल मोल कैंसिल आउट, तो केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। तो हमेशा याद रखना कभी भी आपको लिखना हो डेंसिटी तो कैसे लिख देना, सी टोटल इनटू मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूलर वेट, टोटल मॉलिक्यूलर वेट यहां से करना, ठीक है तो यहां से भी सेम निकल के आ जाएगा। अदरवाइज जो ऊपर वाला मैंने फंडा बताया है बेसिक यहां से करोगे कभी गलत नहीं होगा, अदरवाइज थोड़ा आप लोगों ने यहां से सोच लिया है तो यहां से भी कर सकते हैं, यूनिट बैलेंस से आप लोग इजीली तरीके से यहां से निपटा सकते हैं इसको। ये बताओ सारे लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ ना, सारे लोगों को ये बताओ इस क्वेश्चन से हमारे छोटे छोटे पॉइंट सारे कवर हुए, सारे लोग ये बताएंगे, मेरे जितने भी भाई बंधु प्रेजेंट हैं सारे लोग ये बताएंगे कि ये बताओ छोटे छोटे हम लोगों के जितने भी कॉन्सेप्ट थे इस वाले क्वेश्चन से थोड़े हमारे स्ट्रांग हुए क्या, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, एवरेज वेलोसिटी की मैं कल बात करूंगा, ठीक है और ये मास कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई ना, बोलिए सारे लोग है ना। तो ये बताओ अब लेक्चर को आज यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि भाई साहब टाइम 7 बजे से ऊपर भी निकल गया है, तो ओवरव्यू अपना स्टार्टिंग कैसी रही है और मास ट्रांसफर आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं, हल्का सा जो शुरुआत हुई है वो सही से हुई है कि नहीं, बात करेंगे कल पूरा डिफ्यूजन, मैं आपको डिफ्यूजन ऐसा बता दूंगा ना, डिफ्यूजन बहुत ढंग से बता दूंगा, आपके पास टाइम बहुत सारा है, बहुत सारा टाइम है, एक एक चीज कैसे कैसे आती है ना आपको मैं बता दूंगा, तब मैंने शुरुआत यहां से की है तो आप समझ सकते हो, ड्राइविंग फोर्स मैंने कैसे बताया है तो आप लोग समझ सकते हो, अंदर की चीजें कैसे रहेंगे। ठीक है बात आपको केमिकल पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में आई ना समझ में, गिब्स फ्री एनर्जी वाला आपको फिगर समझ में आया, क्या क्या ड्राइविंग फोर्स होते हैं मास ट्रांसफर के, वो आए समझ में, कब मास ट्रांसफर पॉसिबल है कब नहीं पॉसिबल है वो आया समझ में, डिफ्यूजन की क्या डेफिनेशन है वो आई समझ में। बात अब यहां से हम लोग करना स्टार्ट करेंगे, ये छोटे छोटे पैरामीटर्स आना चाहिए था, बहुत जरूरी था, ठीक है अब एक्सीलरेट हम लोग करेंगे, ठीक है तो बिल्कुल आराम से एक काम और करो यार आप लोग, तो
तो अपने आदमी हो, ठीक है यार, सारे लोगों को इन्फॉर्म करो भाई, अपने जूनियर्स को इन्फॉर्म करो, अपने क्लासमेट्स को इन्फॉर्म करो, यहाँ पे 100 बच्चे दिखने चाहिए, 100 बच्चे, तब थोड़ा माहौल बनता है, ठीक है, 100 बच्चे दिखें, समझ रहे हो। तो आप लोग ट्राई तो इतना कर ही सकते हो, 2-3 लोगों को खींच के लेके आओ भाई पढ़, ठीक है, 2 घंटे की क्लास है, मस्त पढ़ के चले जाओ यार, गारंटी देता हूं, क्लास के बाद आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपकी नॉलेज में कुछ ना बहुत ज्यादा एनहांसमेंट करेगा, गारंटी देता हूं इस बात को। 2 घंटे आपके आपने अच्छे से दे लिए ना, तो आपको मैं आप लोग कभी भी मेहनत नहीं करोगे जाके जनवरी और जो दिसंबर वाला महीना आता है ना उसमें लगे पड़े रहते हैं, अभी से मेहनत कर लो। मैं एक एक चीज बिल्कुल विस्तार पूर्वक बता दूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल वेल एक्सप्लेन मैनर में बता दूंगा, लेकिन अभी मेहनत कर लोगे तो फिर उधर लास्ट में हम लोग तब क्रैश कोर्स या रिविजन कोर्स वगैरह लेकर आएंगे तो थोड़ा फास्ट रहते हैं, तो वहां पर आप लोग बहुत अच्छे से चीजें समझ सकते हो, क्योंकि उस समय उतना टाइम नहीं होता है कि इस वैरायटी के भी आप लोग क्वेश्चन करो, इस वैरायटी के भी क्वेश्चन करने का नहीं टाइम होता है, उस समय जो गेट के क्वेश्चंस आए रहते हैं वही हम लोग कर लें, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो कोशिश करो यार अभी से इतनी लीड बना के चले, एट द लास्ट थोड़ा आराम से बैटिंग कर लेंगे तब भी जीत जाएंगे, समझ रहे हो, लास्ट में एकदम से खेलते एक विकेट भी हाथ में, एक विकेट और गिर गया तो समझ लो निपट गए, तो लीड बना के अभी से चलो भाई, अभी से अच्छी खासी लीड बना के चलो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो कल साइलेंसर की क्लास रहेगी, ठीक है, तो मैं जस्ट इन्फॉर्म आप लोगों को किए दे रहा हूं, कल साइलेंसर की क्लास रहेगी, ठीक है, कितने बजे, 7 बजे, और मेरी क्लास का सेम टाइम रहेगा, मेरी क्लास का सेम टाइम रहेगा, ठीक है, कितने बजे, जिस टाइम पे हो रही है क्लास, लेक्चर 2, तो ये साइलेंसर की क्लास रहेगी, ठीक है, एक न्यू बिल्कुल बैच, न्यू सब्जेक्ट सीआरई से स्टार्ट करेंगे, लेक्चर 1 रहेगा, मस्त तरीके से आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, और सेम मेरी जो क्लास है, मेरी क्लास का टाइम सेम है, ठीक है, मेरी क्लास का टाइम सेम है, तो उसकी कोई नीड नहीं है वरी करने की, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चीजें इसी टाइम पे चलेंगी, इसमें कोई अभी टाइम चेंज फिलहाल में नहीं होने वाला है, आगे देखते हैं, इनकेस कभी कुछ लगता है टाइम चेंजिंग का तो करेंगे, अदरवाइज अभी अपना प्रोसेस चल रहा है प्रॉपर तरीके से। एक काम करना यार, आप लोग जब भी आना ना तो हमेशा नोट्स प्रॉपर, आप अपना जो मास ट्रांसफर का अलग आप ऑफलाइन में बनाते थे ना, इस तरीके से बनाना, 2 से 3 पेन रखना, ठीक है ना, कुछ A4 साइज पेपर रखना की पॉइंट के लिए, उसमें तुरंत ही की पॉइंट आप लोग लिख लिया करना और तुरंत ही उसको स्टेपल कर लेना, इतना काम जरूर करना, और एक रफ बुक मार्क्स ट्रांसफर की अलग रखना जिसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। 2 काम करना, 2 कॉपी आप लोग रख सकते हो, 1 कॉपी में आप लोग थ्योरी लिखो प्रॉपर तरीके से और 1 कॉपी आप लोग बना लो जिसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करते चले जाओ। आज मैंने पहला न्यूमेरिकल करवाया, आपको मैं बताता हूं इतने न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा बहुत, गेट का तो 100% सारा सॉल्व करवा दूंगा और जितने भी गेट से डबल टाइम्स ट्रिपल टाइम्स जाना और भी न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ठीक है। तो उसकी आपको नीड करने की नीड नहीं, एक अच्छा सा रजिस्टर ले लो, बढ़िया तरीके से बढ़िया पेज हो, ठीक है, मस्त तरीके से प्रॉब्लम वाइज 1, 2, 3, 4, 5 प्रॉब्लम और वेल एक्सप्लेन्ड, उसको प्रॉपर तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन लिखो यहां पे, फिर देखो कितना एनहांसमेंट होता है, आप लोग बहुत ज्यादा उसमें, अदरवाइज क्या होता है, एक क्वेश्चन यहां कर लिया, एक यहां कर लिया, फिर वो नोट्स लास्ट में नहीं मिलता है, तो फिर वहां पे हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से तब नोट्स आप लोग बनाओगे ना तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा रिवीजन करने में, वो एट द लास्ट आता है समझ में, ठीक है। तो ये क्लास रहेगी सेम टाइम पे, सैलन सर की क्लास रहेगी, 3 बजे सुमित सर की क्लास रहती है, 3 बजे सुमित सर की क्लास रहती है, तो उसको तो आप लोग एंजॉय करते हुए हो। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय, चलो फिर है ना, मिलते हैं कल सेम टाइम पे, बाय बाय।